الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے. قاری ریحان غالب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون अभी आप कारी रेहान गालिब से सूरह मुनाफिकून सूरह नंबर 63
जो 11 आयात पर मुश्तमिल हैं, उन 11 आयतों का आपने यहाँ पर किरत सुनी। तर्जुमा यूं है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम जरूर उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतई झूठे हैं। इन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है और इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते और दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से है कि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफ्र किया, इसलिए इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब ये कुछ नहीं समझते। इन्हें देखो तो जाहिरी तौर पर तुम्हें बड़े शानदार नजर आए, बोले तो तुम उनकी बातें सुनते रह जाओ, मगर असल में ये गोया लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुनकर रख दिए गए हैं। हर जोर की आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। ये पक्के दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहो। अल्लाह की मार इन पर, ये किधर उल्टे फिराए जा रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ ताकि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए मग़फ़रत की दुआ करे, तो सर झटकते हैं। और तुम देखते हो कि वो बड़े घमंड के साथ आने से रुकते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनके लिए मग़फ़रत की दुआ करो या न करो, इनके लिए यकसां है। अल्लाह हरगिज़ उन्हें माफ़ न करेगा। अल्लाह फासिक लोगों को हरगिज़ हिदायत नहीं देता। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो ताकि ये मुंतशिर हो जाएं, हालांकि ज़मीन और आसमानों के ख़जानों का मालिक अल्लाह है। मगर ये मुनाफिक समझते ही नहीं हैं। ये कहते हैं कि हम मदीना वापस पहुंच जाएं तो जो इज्जत वाला है वो जलील को वहां से निकाल बाहर करेगा, हालांकि इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के लिए है, मगर ये मुनाफिक जानते नहीं हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। जो लोग ऐसा करें वही खसारे में रहने वाले हैं। जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, कबल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और उस वक्त वो कहे कि अरे मेरे रब, क्यों ना तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी कि मैं सदका देता और साहले लोगों में शामिल हो जाता। हालांकि जब किसी की मोहलत या अमल पूरी होने का वक्त आ जाता है तो अल्लाह किसी शख्स को हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ये थी सूरह मुनाफिकून की आयात, जिनका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा। ख्वातीनो हजरात, 10 रोज़ा प्रोग्राम का ये आखिरी मरहला है। ये कहते हुए दुख भी होता है, गुज़िश्ता 10 दिनों से जो बाबरकत मजलिसें यहाँ कायम होती आई हैं और जिस इन्हमाक और गौर से आप लोग सुनते रहे हैं, तआवुन करते रहे हैं, आपका ये अमल लायक तहसीन है। मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम ख्वातीन व हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। आज डॉक्टर इसरार अहमद का अहलियाने बम्बई के लिए अलविदाई खुतबा है। इस अलविदाई खुतबे का उन्वान है
निफाक की हकीकत एक अहम मौजू जो हम मुसलमानों के लिए नजात के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में सिर्फ दो ही बातें बताकर डॉक्टर साहब से कहूँगा कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुनाफिकीन वो हैं और उनकी सज़ा ये है कि वो हमेशा जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे, और एक जगह तो ये वईद आई है अल्लाह की तरफ से कि मुनाफिकीन से दोस्ती भी मत करो। तो आइए आज इस अहम मौजू पर, निफाक की हकीकत पर डॉक्टर साहब की एक आलिमाना गुफ्तगू हम सुनने के लिए बेताब हैं। मैं डॉक्टर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो निफाक की हकीकत के मौजू पर हमसे खिताब करें। डॉक्टर इसरार रहमत। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीयीन मुहम्मदिन अल अमीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिन निसा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين। निफाक की हकीकत के ज़िमन में सबसे पहले एक लुगवी बहस हो जाए कि ये लफ्ज़ बना कहाँ से है, इसकी रूट क्या है, इसकी असल क्या है। नफ़क़ुन कहते हैं अरबी जबान में सुरंग को। सुरंगें पिछले जमाने में बनाई जाती थी। एक शहर है, बहुत बड़ा किला है, उसके गिर्द फसील है, फिर उसमें बादशाह का या गवर्नर का महल है। अब अगर कोई गनीम हमला करता है, वो फसील के अंदर भी दराड़े डालकर शहर में दाखिल हो गया और अब वो महल की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उस बादशाह के लिए या उस गवर्नर के लिए अब बचाव का रास्ता कौन सा है? सुरंगें खुदी होती थी जो महल से शुरू होकर जेरे जमीन चलते चलते बाहर जाकर कहीं 2-3 मील के फासले पर खुलती थी। यह तहफ्फुज़ का जरिया था कि जब यह मालूम हो कि हमारे डिफेंसेस शैटर हो गए, अब जान बचाने के लिए जाहिर बात है दरवाजे की तरफ तो नहीं जा सकते, उधर तो गनीम का कब्जा है, तो यह जेरे जमीन सुरंग के जरिए से फिर भाग कर जान बचाई जाती थी। गोया कि इसमें असलन तहफ्फुज़ ज़ात पेशे नजर था। इसी तरह नाफका कहते थे अरबी जबान में गोह के बिल को। गोह एक जानवर है जो जमीन के अंदर भट बनाता है और उस भट के दो रास्ते रखता है, एक इधर से एक उधर से। उसका शिकार अहले अरब करते थे शिकारी कुत्तों से। अब अगर किसी कुत्ते ने इधर से दाखिल होने की कोशिश की
तो गोह दूसरे दरवाजे से निकलकर भाग जाता था, अगर उधर से आया तो इस दरवाजे से निकलकर भाग जाता था। तो इस एतबार से तहफ्फुज़ ज़ात जो है वो असल में इन दोनों अल्फाज के अंदर जो उसकी बुनियादी रूह है वो इसमें मुसमर है। इसलिए ऐसे इंसान को मुनाफिक कहा जाता है, दो मुआ कि इनसे मिलता है तो कुछ और कह रहा है, उनसे मिलता है तो कुछ और कह रहा है, इनके पास जाता है तो उनके साथ दोस्ती गांठता है, उनके मुखालिफों के पास जाता है तो उनके साथ भी अपने गुड बॉक्स के अंदर रखना चाहता है। यह है असल में निफाक। अब निफाक की बहुत सी मुख्तलिफ तर्ज की तकसीमें की गई हैं निफाक की हकीकत को समझाने के लिए। एक है अकीदे का निफाक, इंसान जानबूझकर धोखा दे रहा हो अपने बचाव के लिए। एक है अमल का निफाक, अगरचे दिल के अंदर उसका कोई इरादा ऐसा ना हो लेकिन फिर भी उसके अमल के अंदर दो अमली पाई जाती है। मैंने इसे जरा मुख्तलिफ अंदाज में तकसीम किया है। एक है शऊरी निफाक, जबकि मुनाफिक को मालूम होता है कि मैं मुनाफिक हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मोमिन नहीं हूं। और एक गैर शऊरी निफाक होता है जिसमें मुनाफिक अपने आप को मुसलमान समझता है, वो दूसरों को समझता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मैं तो मुसलमान हूं और मैं तो साहिब ईमान हूं, और हकीकत में वो मुनाफिक है। तो एक शऊरी निफाक है और एक गैर शऊरी निफाक है। इस शऊरी निफाक के लिए दो मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। एक तो खुद कुरान मजीद ने सूरह आल इमरान में यहूदियों की एक साजिश का तस्करा हुआ। उन्होंने जब देखा कि जो शख्स मुसलमान हो जाता है फिर चाहे कितनी ही तकलीफें आ जाएं वो वापस नहीं आता, इससे एक साख कायम हो गई थी इस्लाम और ईमान की। ये कोई ऐसी शय है जो इंसान को इतना गहरा इत्मीनान, इतनी गहरी खुशी अता करती है कि फिर वो उसी का हो रहता है, उसे किसी तरह भी किसी तरतीब से किसी तरकीब से वापस क्लेम नहीं किया जा सकता। तो इस साख को खत्म करने के लिए उन्होंने साजिश की। वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताब आमनु बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीन आमनु वज़हन नहार वक्फ़रु आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। अहले किताब के एक ग्रोह ने यह साजिश की कि ऐसा करो, जो चीज अहले ईमान पर नाजिल की गई है यानी कुरान मजीद, उस पर ईमान का ऐलान कर दो सुबह के वक्त। अब इस खाके में मैं जरा रंग भर रहा हूं, सुबह को ईमान का ऐलान किया और अक्सर वक्त अब दिन का हुजूर की सोबत में गुजार रहे हैं, बड़े अदब के साथ पोज कर रहे हैं कि हम मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए। हुजूर भी तवाज़ो तो आपके मिजाज में था ही, खास तौर पर नौ मुस्लिम लोग और यहूदी मुसलमान हो गए हो तो हुजूर की निगाह में उनकी कदर होती थी। शाम को उन्होंने ऐलान कर दिया, अजी हमने देख लिया, जाके करीब जाकर देख लिया कुछ नहीं, ये तो सब दूर के ढोल सुहाने हैं, हम तो वापस जा रहे हैं, यहूदी हो रहे। वकालत ताइफतु मिन अहलिल किताब आमनु बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीन आमनु वज़हन नहार, सुबह के वक्त ईमान का ऐलान करो, वक्फ़रु आखिरहु और दिन के आखिर में शाम को रात को तुम लौट आओ, कुफर करो। लअल्लहुम यरजिऊन, इससे तवक्को है कि इनमें से भी कुछ लोग टूटेंगे, सोचेंगे ना, सादा दिल लोग सोचेंगे भाई बड़े आलिम लोग थे ये यहूद के और बड़े खुलूस के साथ आए थे और सारा दिन बड़े अदब के साथ हुजूर की सोबत में रहे हैं, तो ये जो अब वापस फिर गए तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना इन्होंने, तो डगमगाने का मामला,
چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدینہ منورہ میں، منافق نہیں تھے، کمزور ایمان والے. اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ مکے میں تو یہ ہوتا تھا، وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا. اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی، گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، سب دوستوں سے مخالفت ہوگی، سب سے کٹنا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مار پڑے. لہذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی. مدینہ کا معاملہ مختلف تھا. اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے عرب، اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل، وہ کچھ مدینے میں آ گئے، کچھ اور شام کی طرف چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے. تو یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو ہیں مدینے میں آباد ہوئے. ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے. تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے، نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی، نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں، کوئی قیمت دینی نہیں پڑی. حالات کس قدر مختلف تھے، لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچے بھی تھے، پختہ ایمان والے بھی تھے تو ذرا کمزور ایمان والے بھی تھے. اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا تھا، اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا. یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، اس کا قبلہ ہی معین نہیں، پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے. تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول، کہاں کا نبی. تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا نا. اسی لیے بڑی لمبی بحث آئی ہے. سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع، دو رکوع پورے اسی مضمون پر ہے، اور پھر دو رکوع پہلے 14ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، اور پھر دو رکوع آگے جا کر کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس ترکیب سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھائی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ، اور یہ لوگ یہود کے علماء میں سے ہیں، یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر عدم کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے. اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا، واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہوگا نا جو انہوں نے دیکھا ہوگا. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے، مسلم تو مان لیا گیا انہیں، تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے. They knew it. کہ یہ تو ہمارا فراڈ ہے، یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں. اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے، اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں، کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے، وہ ختنہ بھی کرا کے آتا ہے، داڑھی رکھ کر آتا ہے، نماز یاد کر کے آتا ہے، اور وہ آ کر کسی بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا، جی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا، بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے. اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا، این ڈبلیو ایف بی کا، یہاں سے آتے ہیں لوگ. وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، اس کا بہت چرچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں. تو اکثر و بیشتر لوگ باہر ہی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا.
अब वो वहां पर एक जासूस की हैसियत से रहा और कई साल मस्जिद का इमाम बना रहा, और छुपा हुआ उसके पास जो है ट्रांसमीटर उसके हुजरे में मौजूद था, वो इत्तलात दे रहा था। जाहिर है उसे मालूम है मैं इस्लाम नहीं लाया, मैं ईमान नहीं लाया, मैं तो सिर्फ जासूसी के मकसद के लिए मुसलमान बना हूं। तो ये है शऊरी निफाक, जिसको कि इंसान जानता है, खुद मुतनब्बे है कि मैं न मोमिन हूं न मुस्लिम हूं, मैं मुनाफिक हूं। इसके बरक्स दौरे नबूवत के दौरान हम जितना निफाक देखते हैं वो गैर शऊरी निफाक था अक्सर व बेशतर। उसका पस मंजर क्या है? एक शख्स तक इस्लाम की दावत पहुंची, उसके दिल ने गवाही दी हां ये हक है, उसकी फितरत के अंदर उसकी तरफ कशिश पैदा हो गई, या पूरा कबीला ईमान ले आया, वो भी ईमान ले आया, कोई धोखा देने की नीयत नहीं थी, मुनाफिक नहीं था, ईमान लाया था। लेकिन अब मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कुछ लोग तो वो होते हैं जो किसी शय को इख्तियार करते हैं तो हर चे बादाबाद, अब जो हो सो हो, माँ कश्ती दरा बंदाख्तेम, अब हमने अपनी कश्ती जो है समंदर में डाल दी है, अब जो हो सो हो, कश्ती तैरेगी तो हम भी तैरेंगे, डूबेगी तो हम भी डूबेंगे, तैयार हैं हम इसके लिए। जैसे तारिक बिन जियाद ने कश्तियां जला दी थी, जब कश्तियां जला दी लोगों ने कहा ये तुमने क्या किया, वापसी का रास्ता ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा मैं यही चाहता हूं तुम्हारे दिल में ख्याल तक ना रहे कि वापस जा सकते हैं हम। तारिक जुबर किनारे अंदलुस सफीना सोख्त, जिन जहाजों में सवार होकर समंदर क्रॉस किया था जबल तारिक पे, वहां उतरने के बाद उन्हें आग लगवा दी, किसी को ख्याल ही ना रहे कि यहां से भागकर वापस जाने की हमारे पास कोई सबील है। हर चे बाद आबाद मां कश्ती दरा बंद आखते, अब जो भी हो सो हो। लेकिन एक कमजोर तबीयत लोग भी होते हैं, उनका नक्शा सूरह हज में खींचा गया है, वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं किनारे किनारे किनारे, डीप वाटर में नहीं जाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, किनारे किनारे। वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही, अगर खैर है खैरियत है माले गनीमत में से मिल रहा है और कोई आपके लिए आजमाइश नहीं आ रही है तो बड़े मुतमईन हैं, अपने इस्लाम का बढ़ चढ़ कर दावा कर रहे हैं, सादिकुल ईमान लोगों से भी बढ़ चढ़ कर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सूरह हुजरात में अतअल्लमून अल्लाह बिदीनकुम, क्या तुम अल्लाह को अपना दीन जितलाना चाहते हो, वल्लाहु यालम मा फिस समावात व मा फिल अर्द। मैंने उस वक्त आपको बताया था हरियाणा की जबान का एक मुहावरा, थोथा चना बाजे घना, वो चना जिसको अंदर से कीड़ा खा चुका हो, ऊपर जो छिलका तो है अंदर कुछ नहीं है, उसमें आवाज ज्यादा होती है, खनकता है, जैसे खाली बर्तन खनकता है ऐसे ही वो लोग के जिनके अंदर ईमान नहीं था वो ज्यादा खनकते थे, ज्यादा जो है अपना एहसान जिताते थे, हम तो लड़े भिड़े बगैर ईमान ले आए। तो यही हाल इन मुनाफिकीन का था। जब इनके सामने अब तकाजे आए, मतालबे आए, अच्छा भाई ईमान लाए हो तो अब निकलो अल्लाह की राह में, जान हथेली पर रखो, आओ कताल का मरहला शुरू हो चुका है। अब ये जरा पीछे को हटते थे, इसे इर्तिदाद कहते हैं। इर्तिदाद एक तो ये है कि खुल्लम खुल्ला कोई शख्स इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गया, ईसाई हो गया या कुछ और हो गया, मुर्तद एक इर्तिदाद है, पीछे पसपाई इख्तियार करना, कदम ब कदम कदम ब कदम पीछे हटना। या अगर वक्त आया है कि हुजूर ने कहा भाई अब एक ऐसी जरूरत है और ऐसी मुहिम दरपेश है जिसके लिए माल की जरूरत है तो आओ अब इन्फाक करो, खर्च करो अल्लाह की राह में, इन दोनों से उनकी जान जाती थी। अब अगर तो उनमें सिर्फ ज़ौफ़ ईमान था, ईमान की कमजोरी थी, तो अगर तकसीर हो जाती थी, कोताही होती थी, तो वो उसका एतराफ करते थे।
और हुजूर के पास आकर कहते थे, हुजूर हमसे गलती हो गई, हम नहीं जा सके आपके साथ मुहिम पर, आप हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह से। जब तक तो यह सूरत थी तो इसे निफाक नहीं कहा जा सकता। एतराफ हो और इस्तिग़फ़ार अल्लाह से भी किया जाए, परवरदिगार मुआफ़ फरमा दे मुझसे कोताही हुई है, और ऐ नबी आप भी मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला जो है मुझे मुआफ़ कर दे। तो ज़ौफ़े ईमान तो है, निफाक नहीं है। कुराने मजीद ने ज़ौफ़े ईमान को ताबीर किया है मरदुन फी कुलूबहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिलों में एक रोग है तो अल्लाह ने उस रोग को बढ़ा दिया है। अल्लाह का कानून यह है कि आप हिदायत के रास्ते पर चलना चाहें हिदायत का रास्ता खोलता चला जाएगा और हिम्मत आपको देता रहेगा, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। गलत रास्ते पर जाना चाहते हैं अल्लाह ताला वो खोल देगा, बेहयाई के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो पहले बुरका उतरेगा, फिर सर पर से चादर और दुपट्टा उतरेगा, फिर आपकी के बाजू जो है स्लीवलेस हो जाएंगे, होते होते कहां तक आप पहुंच जाएंगे अब नहीं कह सकते। मगरबी औरत कहां पहुंच गई है, बिल्कुल लिबास से बाहर आना चाहती है, लिबास को तो बर्दाश्त करना नहीं चाहती अपने वदन के ऊपर। बहरहाल नेकी के रास्ता इख्तियार करोगे फसनुयस्सिरुहु लिलयुसरा, बदी का रास्ता इख्तियार करोगे फसनुयस्सिरुहु लिलउसरा। और अगर आपने एक रोग जो है अपने दिल में, माल और जान की मोहब्बत जो है इतनी है कि आपको अल्लाह की राह में आगे बढ़ने नहीं दे रही, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जान और माल खर्च करने की इजाजत नहीं दे रही, क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए मैदान में आने की इजाजत नहीं दे रही, तो आपके दिलों में एक रोग है, एक मर्ज है, एक बीमारी है, और अल्लाह फिर उसी पर आपको छोड़ देता है, ठीक है इस बीमारी के अंदर मुब्तला रहो। लेकिन ये ज़ौफ़े ईमान जो है उसे निफाक नहीं कहेंगे। जब तक एतराफ़े तकसीर है और इस्तिग़फ़ार है अल्लाह से और रसूल के पास आकर भी मुआफ़ी तलब की जा रही है और उनसे भी दरख्वास्त हो रही है कि आप भी हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें, इस्तिग़फ़ार फरमाएं ताकि अल्लाह हमें बख्श दे। लेकिन अगला मरहला आता है कि झूठे बहाने शुरू कर देते। कब तक हम अपना एतराफ़े तकसीर करते रहेंगे, हमारी हैसियत क्या रह जाएगी, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। अब वो कहेंगे हुजूर मेरी तो बीवी शदीद बीमार है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं जिहाद में नहीं जा सकता, मुझे इजाजत दे दी। और हुजूर ये जानने के बावजूद कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, आप कहते हैं ठीक है जाइए, आपकी मरव्वत के ये खिलाफ था, शराफत और मरुवत, कहे तुम झूठ बोल रहे हो ना, ठीक है जाइए आप एग्जेम्प्टेड। अब ये झूठ जब शुरू हुआ तो निफाक की पहली स्टेज आ गई। जैसे ट्यूबरकुलोसिस की तीन स्टेजेस पहले जमाने में होती थी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज पर आने के बाद मर्ज ला इलाज होता था, अब तो खैर ठीक है दवाइयां बहुत सी ईजाद हो गई हैं, लेकिन थर्ड स्टेज को पहुंचकर फिर पिछले जमाने में कोई तवक्को नहीं होती थी कि अब दोबारा सेहतयाब हो सकता है। पहली स्टेज और सेकंड स्टेज में अगर कुछ इलाज हो जाए तो बचने की तवक्को है। तो पहली स्टेज यह कि झूठे बहाने बनाने शुरू किए। उस आयत का तर्जुमा रह गया, मैं सूरह हज का जो बयान कर रहा था, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, लोगों में से वो भी है जो अल्लाह की इताअत और बंदगी करना चाहते हैं, परस्तिश करना चाहते हैं, लेकिन किनारे किनारे बचकर बचकर। فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, अगर खैर है, खैरियत है, माल गनीमत भी मिल रहा है तो फिर मुतमईन है। وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, अगर कोई फितना आ गया, आजमाइश आ गई, कोई इम्तिहान आ गया तो औंधे मुंह गिर पड़ते हैं, ये खिसारा है दुनिया और आखिरत दोनों। सूरह हज के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये आम ख्याल तो ये कि ये मदनी है, मदनी नहीं है, मक्की है, लेकिन मक्की दौर के बिल्कुल आखिरी जमाने की सूरतों में से,
مکی دور میں، مکی قرآن میں، دو تہائی قرآن ہے مکی جو مکے میں نازل ہوا، اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے، سورہ عنکبوت میں بس. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو، اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اب ہمارے لیے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، الا تدعو لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی نصرت خصوصی آ جائے؟ حضرت خباب الارض نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دیکھا، حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے، مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، میری کمر کی کھلڑی کھال یہ جلی ہے، اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے وہ پگھلی ہے، تو اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے. حضور نے جواب دیا، خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا دھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے، اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیرنا شروع کیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، یہ بھی ہوا ہے، اور لوہے کے کنگھوں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے. تم ابھی سے گھبرا گئے؟ اس وقت سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا، خوب آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے. بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں. یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا ہے مدینے میں آ کر. اچھا، پہلی سٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانا. اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا، خدا کی قسم، واللہ ہے، واللہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مشکل ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں. اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض، نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا. کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف، کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، ہم ایمان لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے، ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے بدل لیا اللہ خیر صلی اللہ، یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں، ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں. وہ جو اقبال کہتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں. جان اور مال بچاؤ نہیں، خرچ کرو. آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے. حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آئینہ ساز اللہ ہے. تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے، اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں، حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا بار دستے بھیجنے شروع کر دیے، ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ.
مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی, اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. دیکھیے جب تک نہر سوئز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا. ابھی 1498 جب آئے گا کوئی 1000 برس کے بعد, تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے. تو ہوتا کیا تھا, یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا. ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا سماٹرا ہندوستان چائنا, ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا. اینڈ بٹوین دیز ٹو پوائنٹس کیریوانز آف دی قریش دے ور گوئنگ ٹو اینڈ فرو, جنوب میں گئے سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں, گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف, وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا. وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں, سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا اسٹریٹ ٹو دی نارتھ, اور وہ جو ہے آ کر یمن پہ اتار دیا. یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے, شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے. تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا, بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ, اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے ایز اف دے ور ہوسٹیجز وتھ دیم. کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے. اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر, اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے, اس کا سبب یہ تھا. اب حضور نے کیا کیا, اسے تھریٹن کیا, وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ, دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں, اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا, یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی اپنا اجتہاد تھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں, یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں, ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے تبلیغ سے نصیحت سے ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ, یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے. اندر تو تھی اپنی بزدلی لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے. تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے, اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فینیٹکس, یہ پاگل, یہ جذباتی لوگ, یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں, نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات, نہ ہی انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے, کچھ بھی نہیں, اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں چل پڑتے ہیں, فوراً لبیک کہتے ہیں. جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا, اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے. اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹیوبرکلوسس کی, نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ ہے غیر شعوری نفاق, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, مسلح سمجھتے تھے, تو یہ پھیلا رہے محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم, خامخواہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو. یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے, اس کے امیر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم,
और अब आलमी इस्लाह का एक प्रोग्राम पेश नजर है, तुम इस जमाती जिंदगी में रखना डाल रहे हो तो गोया के फसाद मचा रहे हो। वो कहते नहीं, हम तो जी इस्लाह चाहते हैं, मुस्लिम है, ये फसाद तो तुम मचा रहे हो, जंगे तुमने शुरू कर दी है। हम तो कहते हैं कि सुलह के साथ काम करो और दावत और तबलीग के जरिए से, सिर्फ उस मिशनरी जील के जरिए से अपनी बात को फैलाओ। ये थे मदीने के मुनाफिकीन। अब चंद बातें मैं इस निफाक के जिम्मन में और अर्ज कर दूं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निफाक के बारे में, मा खाफहु इल्ला मोमिनुन व मा अमिनहु इल्ला मुनाफिकुन। निफाक का खौफ रहता है सिर्फ साहिब ईमान को, और निफाक से अपने आप को महफूज समझता है सिर्फ मुनाफिक। साहिब ईमान को हमेशा इस फिक्र में रहते थे हमसे कोई कमजोरी जाहिर ना हो जाए, माल और औलाद की मोहब्बत कहीं हमारे कदम ना रोक ले, कहीं अल्लाह के यहां हमारा शुमार मुनाफिकीन में ना हो जाए। कोई छोटी सी तकसीर हो गई तो वो भी उन्हें मालूम होता था कि जैसे पहाड़ उनके सरों पर आ गया है। हुज़ूर ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर गुनाह कर बैठते हैं तो ऐसे महसूस करते हैं कि पहाड़ तले आ गए, इतना बोझ, इतना एहसास के ऊपर सख्त। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े से बड़ा गुनाह करके बस इतना सा एहसास होता है कि नाक पर मक्खी बैठ गई थी, हमने यूं किया, उड़ा दिया, बस इतना एहसास। वो जमीर नाम की अंदर शय वो बताती तो है तुमने गलत काम किया, इससे ज्यादा नहीं, मक्खी उड़ा दी, खलास। तो मा अमिनहु इल्ला मुनाफिकुन, निफाक से अपने आप को महफूज और मामून समझता है सिर्फ मुनाफिक। ये गैर शौरी निफाक है ना, वो नहीं जानता कि मैं मुनाफिक हूं, वो तो कहता मैं मुस्लिम हूं, मैं मोहम्मद के पीछे नमाजें पढ़ता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजे रखता हूं, अगरचे तबीयत तो नहीं चाहती लेकिन क्या करूं, जबरन ज़कात भी दे देता हूं ताकि मुसलमानों में शुमार तो रहे। तो वो तो अपने आप को मुसलमान समझता था मुनाफिक। तो मा अमिनहु इल्ला मुनाफिकुन व मा खाफहु इल्ला मोमिनुन। मोमिन को खौफ रहता है कि कहीं मैं निफाक की सरहदों के अंदर दाखिल ना हो जाऊं। यही वजह, दो वाक्य सुन लीजिए। एक अंसारी साहबी है हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला, एक दफा घर से निकले, अजीब कैफियत तारी थी, हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया, एक खास कैफियत के अंदर कहे जा रहे। हजरत अबू बकर मिल गए रास्ते में, क्या बात है हंजला, क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? कहा कि मैं महसूस करता हूं जब मैं हुजूर की सोबत में होता हूं तो मेरे दिल की कैफियत कुछ और होती है, जब मैं अपने घर बार में आ गया तो वो कैफियत नहीं रहती। यही तो निफाक है। अब अगर हजरत अबू बकर चाहते तो उन्हें समझाते कि नहीं भाई ये निफाक नहीं है, लेकिन उन्होंने हिकमत से दूसरा रास्ता इख्तियार किया, भाई ये हाल तो मेरा भी है, हुजूर की सोबत में जब मैं होता हूं तो वाकईतन ईमान की कैफियत और बुलंदी या ईमान की गहराई वो बिल्कुल किसी और शान की होती है। और हजरत अबू बकर ताजिर भी थे, जब मैं अपनी दुकान पर आकर बैठता हूं तो फिर वो कैफियत तो नहीं रहती। तो चलो हुजूर से पूछते। हुजूर के पास पहुंच गए, हुजूर ने सारी बात सुनकर कहा कि हंजला ये निफाक नहीं है, जो कैफियत तुम्हारी मेरी महफिल में होती है ये हमेशा नहीं रह सकती, अगर हमेशा रहे तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तरों पर मुसाफा करेंगे आकर। फइन्नहा या हंजला तो साअतन फसाअतन, ये कैफियत तो कभी 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 महसूस होती है। इस तरह का ईमान, इतना गहरा ईमान, इतना यकीन वाला ईमान, जैसे कि एक सहाबी से सुबह को फजर के बाद हुजूर ने पूछा, आपका मामूल था ये, फजर के बाद तशरीफ फरमा रहते थे, सहाबा हैं, कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं, हुजूर ये भी पूछते थे किसी ने कोई ख्वाब देखा है वो बयान करे। तो एक सहाबी से आपने पूछा कैफ असबह था, आज सुबह कैसी हुई? अर्ज किया असबह तो मोमिनन हक्कन या रसूल अल्लाह,
अल्लाह के रसूल मुझे सुबह एक सच्चे मोमिन की सुबह नसीब हुई। अब यह जवाब बड़ा गैर मामूली था, अस्बहतु मोमिनन हक्कन। आपने फरमाया लिकुल शयइन सिफतुन फमा सिफतु ईमानिक, हर शय की कोई सिफत होती है जिसके हवाले से वो पहचानी जाती है। तो तुम जो दावा ईमान का कर रहे हो तो तुम्हारे ईमान की सिफत क्या है, कैफियत क्या है? जवाब दिया कानी अंजुरो इलल जन्ना व कानी अंजुरो इलल नार, मेरे यकीन की कैफियत यह है कि जैसे कि मैं जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहा हूं और जन्नत को अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो ईमान की यह गहराई भी होती है। जैसे कि उसी हदीस जिब्राइल में तीसरा सवाल यह था, अखबरनी अनिल एहसान, मुझे बताइए कि एहसान क्या है, रूहानियत का बुलंद मकाम क्या है, इस्लाम क्या है, जवाब दे दिया आपने, ईमान क्या है, जवाब दे दिया आपने, अब एहसान बताइए क्या है। फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु फइलम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तुम अल्लाह की परस्तिश और बंदगी ऐसे करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो अपनी आंखों से, और अगर यह नहीं तो कम से कम यह महसूस होता रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इस्तेजार रहे। यहां चूंकि जो रिवायत ज्यादा मशहूर है हजरत उमर फारूक से रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसमें है ताबुद अल्लाह, दूसरी रिवायत में अन तख्श अल्लाह का अन्नका तराहु फइलम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तुम्हारे दिल में अल्लाह की खशियत इतनी हो जाए जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो। और एक में आया है अंतामल लिल्लाह कान्नका तराहु फइलम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अल्लाह के लिए भाग दौड़ मेहनत जिद्दोजहद जिहाद कितान इस कैफियत के साथ करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, वरना कम से कम यह यकीन रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो यह एहसान है। नाफिक हंजला इसी तरीके से, हुजूर जब वापस तशरीफ ला रहे थे गजवे तबूक से तो कुछ मुनाफिक मदीने के एक तंग घाटी में से हुजूर को गुजरना था, रास्ता ऐसा था जिसमें एक ही ऊंट एक वक्त में गुजर सकता था। उन्होंने उसके आसपास जो है अपने आप को छुपा लिया, छुप गए, और जब हुजूर का ऊंट उसमें से निकल रहा था हमला किया हुजूर को कत्ल करने के लिए। हजरत हुजैफा हुजूर के बॉडी गार्ड की हैसियत से ऊंट के आगे आगे चल रहे थे, उन्होंने मुकाबला करके सबको भगा दिया। उन्होंने ढांटे बांधे हुए थे, मुंह छुपाए हुए थे, फिर रात का वक्त था। जब वो भाग गए तो हुजूर ने फरमाया ये हुजैफा मैं तुम्हें बता दूं ये कौन कौन थे, नाम लेकर बता दिया, फला इब्ने फला फला इब्ने फला फला इब्ने फला फला इब्ने फला, वही के जरिए से हुजूर को सब कुछ मालूम हो जाता था। लेकिन देखना हुजैफा ये किसी को बताना नहीं है, ये मेरा राज है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें मुनाफिकीन के नाम बता दिए हैं कुछ के। इसीलिए हजरत हुजैफा को कहा जाता था रजी अल्लाह तआला अन्हु साहिबो सिर्रिन नबी, नबी के एक राजदान, नबी के एक राज के रखने वाले हुजैफा। अब एक मर्तबा हजरत उमर उनसे पूछते हैं, अब गौर कीजिए कहां उमर कहां उनका मकाम, सहाबा में नंबर दो, उन्हें भी अपने बारे में अंदेशा है कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। पूछते उन सिद्दों का या हुजैफा, उन सिद्दों का बिल्ला, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर वास्ता देकर तुमसे पूछता हूं कहीं मेरा नाम तो उनमें नहीं था। यह है मा खाफहु इल्ला मोमिनुन व मा अमिनहु इल्ला मुनाफिक। ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, अब ये जानिए कि इसका अंजाम क्या है। असल में मैंने चूंकि कहा बीमारी है और मेरा बैकग्राउंड भी है मेडिकल एजुकेशन का, तो हर बरस के जीवन में हमारे यहां बहसें होती हैं इटियोलॉजी क्या है, ये बीमारी क्यों आती है। फिर जब बीमारी लाहिक हो गई तो उसकी अलामात क्या है, साइंस एंड सिम्पटम्स क्या है, फिर प्रोग्नोसिस क्या है, कितनी शफा की उम्मीद है और कितनी नहीं है, फिर ट्रीटमेंट क्या है। और ट्रीटमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक प्रिवेंटिव और एक क्यूरेटिव। मर्ज से बचा जाए बचाव की तदाबीर, और अगर मर्ज की छूट लग गई है
तो फिर उसका इलाज। ये जो मुनाफिकीन की बहस है और निफाक की बहस है, ये बड़ी तफसील से आई, सूरह बकरा में भी है लेकिन वहां लफ्ज निफाक इस्तेमाल नहीं किया गया। रफ्ता 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 इसका जो पर्दा चाक किया गया, रफ्ता रफ्ता सूरह बकरा में सिर्फ ये आया है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी आ गए। वैदा लकुल लजीना आमनू कालू आमन्ना वैदा खलाउ इला शयातीनहिम कालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जब वो अहले ईमान से मिलते कहते हम भी ईमान ले आए हैं, हम भी साहिब ईमान हैं, और जब अपने उन शैतानों के पास जाते हैं यहूदी लीडरों के पास तो कहते हैं जी हम तो आपके साथ हैं, हम उनसे तो सिर्फ मजाक ही कर रहे हैं। अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, असल में अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है और उन्हें उनकी सरकशी के अंदर आगे खींचता चला जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, नेकी का रास्ता इख्तियार करोगे अल्लाह उसे खोलता चला जाएगा, बदी का इख्तियार करोगे अल्लाह उसको खोलता चला जाएगा, निफाक का इख्तियार करोगे अल्लाह उसको खोलता चला जाएगा। तो सूरह बकरा में कहीं लफ्ज मुनाफिक या निफाक नहीं आया, आले इमरान में एक जगह आया है, लेकिन सूरह निसा में बड़ी मुफस्सल बहस है, मुफस्सल बहस है, मुफस्सल बहस है, उनकी अलामात और सबसे बड़े उनके तीन जो सबब थे। अल्लाह के रसूल की इताअत बहुत भारी गुजरती थी। अच्छा जी, अल्लाह का हुक्म तो हम मानेंगे लेकिन इनका क्यों माने, ये भी तो हमारी तरह के इंसान है। इसीलिए उन्होंने कहा था कुरान में तो अभी हुक्म आया नहीं किताल का, इन्होंने खामखा शुरू कर दिया। इस पर फिर सूरह मोहम्मद नाजिल हुई जिसको सूरह किताल भी कहते हैं, किताल का हुक्म आ गया, अब उनकी जबानें चुप हुई, अब तो आ गया, अब क्या करें। जब वो सूरत उतरी तो कुरान मजीद में उसी सूरत में है कि आप देखते हैं मुनाफिकीन को कि अब उनकी आंखें ऐसी पथरा रही हैं जैसे कि कोई मरने वाले शख्स की आंखें पथराती हैं, अब तो कोई रहा ही नहीं उज़्र। सूरह निसा में बहुत बहस है। फिर जिहाद और किताल से बचने वाले वो मुनाफिक हैं, फिर जो हिजरत नहीं करते वो मुनाफिक हैं, मालो औलाद ज्यादा पसंद है कैसे छोड़कर चले जाएं, अहलो अयाल ज्यादा महबूब है कैसे छोड़कर चले जाएं। बहरहाल सूरह निसा में बड़ी मुफस्सल बहसें हैं। मैंने जो आयत तिलावत की थी, इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफल मिनन नार, ये मुनाफिक तो आग के सबसे निचले तबके में होंगे। अल्लाह का गजब इतना काफिरों पर नहीं भड़कता जितना कि मुनाफिकीन पर भड़कता है, और जितना कि उन मुसलमानों पर जो दावे तो करते हैं ईमान के और अल्लाह की मोहब्बत और रसूल के इश्क के और अमल में जीरो है। लिमा तकूलूना माला तफालून, कबूरा मक्तल इंदल्लाह अन तकूलू माला तफालून, अगरचे मुनाफिक नहीं है लेकिन बेअमली, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से सरताबी, कहां अल्लाह पर ईमान का दावा, रसूल पर ईमान का दावा, और कहां यह कि उनके अहकाम को पांव तले रौंद देना। फिर यह सूरह मायदा में भी बहसें आई है, लेकिन यह बहसें सूरह नूर में भी है, सूरह अहज़ाब में भी है, लेकिन क्लाइमैक्स पर यह मजमून आपको मिलेगा बहुत तफसील से, बहुत तफसील से यह मिलेगा सूरह तौबा में। इसलिए कि आखिरी इम्तहान जो हुआ था इन ईमान के दावेदारों का, वो ग़ज़वा तबूक के वक्त था, जिसे कहा गया था जैशुल उसरा, कहत का आलम था, अब फसल खजूर की तैयार थी, अगर अब चले जाते हैं तो कौन उतारेगा खजूर की फसल, औरतों का काम तो नहीं है कि उतार सके, फसल जो है गल सड़ जाएगी दरख्तों के ऊपर ही, तो गोया के कहत दर कहत का मामला होगा। फिर शदीद गर्मी है, तवील लंबा सफर है, तो इसमें जाहिर बात है कि मुनाफिकीन का निफाक बिल्कुल वासे हो गया, आकर झूठी कस्में खाई, अपने आप को एग्जेप्ट कराया, बाज मुसलमानों से भी कोताही हो गई। हजरत काब इब्ने मालिक और दो उनके साथी, बड़ा मुफस्सल उनका मामला जो है कुरान मजीद में तो इजमालन मजकूर है, हदीस बुखारी में बड़ी तफसील से उन्होंने साफ जाकर एतराफ कर दिया, हुजूर जबान हमारे पास भी है, झूठे कस्में हम भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम आपसे इजाजत हासिल कर भी लेंगे, आपको राजी कर भी लेंगे, तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने कैसे अपने झूठ को छुपाएंगे, लिहाजा मान लिया, उन्हें सजा भी दी गई।
50 روز کا مقاطعہ، بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان سے بات نہ کریں۔ بہرحال سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے، یہ پروگنوسس کے اعتبار سے کر رہا ہوں، سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور سورہ توبہ میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ ہے پروگنوسس، یہ ہے اس کی ہلاکت خیزی، رسول کے استغفار سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم، فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے نیچے ہوں گے، جہنم کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس نفاق کا آغاز کیا ہے؟ جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، گھر پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، تو اللہ کی راہ میں کیسے نکلے؟ بس یہ سب ہے، اسی میں قدم بقدم پیچھے ہٹے، اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے، جو تھا اپنے پاس، وہ جیسے برف کی ڈلی پگھلتی ہے، وہ پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اوپر ایک وینیئر ہے۔ وینیئر آپ نے دیکھا ہوگا، دیمک جب کسی کڑی کو یا شہتیر کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا، اوپر جو ہے ایک وینیئر چھوڑتا جاتا ہے تاکہ نیچے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی، یہ شہتیر تو کھایا گیا۔ اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا، لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اندر عصبیت بھی ہے، قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے، اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، ایمان کی نفی ہو چکی، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایٹ لیگل لیول دے آر ایکنالجڈ ایز مسلمز۔ چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابئی، وہ پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں، اور اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اس معاشرے کا، بڑا چودھری ہوں، جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی سے اللہ تعالی نے یہ جو 10 مدنی سورتیں ہیں، سورہ حدید سے شروع ہوتی ہیں، سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں، صرف سورہ حدید 4 رکوعوں پر ہے، کہ سورہ مجادلہ، سورہ حشر 3 رکوع، باقی سب 2 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں، لیکن وہ جو مضمون بہت بڑا ہے مکی سورتوں میں، حقیقت ایمان، وہ سورہ تغابن کی 18 آیتوں میں بیان کر دیا گیا، خلاصہ نکال دیا گیا۔ آخر طالب علم ہر قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک طالب علم وہ بھی ہوتے ہیں جو اصل نصاب کی کتاب کو خوب پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جنہیں خلاصے چاہیے، خلاصے اور گائیڈز کی مدد سے امتحان پاس کر گئے، تو ان کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ اگر پوری لمبی بحثیں نہیں کر سکتے تو لو سورہ تغابن میں سمجھ لو ایمان کیا ہے، اور ایمان کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین کی بحث، نفاق کی بحث تفصیل سے تو ہے سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، لیکن یہ کل 11 آیتیں ہیں، اس میں اس کا ایسا حکیمانہ انداز میں بیان ہوا ہے۔ آج میں ان آیات کا اب درس دے رہا ہوں لفظ بلفظ، تاکہ یہ نفاق کی حقیقت قرآن مجید کی ان 11 آیات کے حوالے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے، مینٹل ایسوسیشنز قائم ہو جائیں آیات کے الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں۔ دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ،
اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لیے, اب چونکہ انہیں شک ہوتا تھا ہمارے ایمان پر تو شک کیا جا رہا ہے, ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے رہتے ہیں کہ یہ پھر جھوٹی قسم کھا رہا ہے, نہیں حضور ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں, حضور بالکل کوئی شک نہ کیجئے, حضور ہمارے بارے میں کسی اشتباہ میں مبتلا نہ ہو, نشہد انک لرسول اللہ, ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ذرا دیکھیے یہاں تبصرہ کیا ہے, واللہ یعلم انک لرسول, میں اس کا ترجمہ ذرا مختلف انداز میں کرتا ہوں, اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں, بظاہر تو یہ جھوٹ نہیں ہے, انک لرسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں تو سچائی ہے, لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ صرف ظاہری بات ہے, یہ ان کا قول ہے, اس پر ایمان اور یقین حاصل نہیں ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, جھوٹے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی پہلی منزل جھوٹ ہے, اب اس کے بعد مسئلہ آیا جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب دیکھا لوگوں نے تو یہ تو ہر وقت بہانے بناتے, تب قسمیں کھا کر, اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے, کیونکہ اعتراض نہ کر سکے, خدا کی قسم, واللہ 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 میری یہ مجبوری ہے, میری بیوی بیمار پڑی ہے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, کیا پتا اس کا انتقال ہو جائے اور میں اب نکل جاؤں اللہ کی راہ میں, کون اس کا پرسان حال ہوگا, تو قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا. اب کیا کہیں, ایک شریف اور بابروت انسان کیا کہے, تم جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ قسم کھا رہے ہو, اچھا بھائی جیسا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے, تو انہوں نے گویا کہ جو تقاضا تھا اللہ کی راہ کا, جو اللہ کی راہ میں نکلو, انفاق کرو, خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ, تو اس سے روکا اپنے آپ کو, جیسے تلوار کے وار سے آپ ڈھال کے ذریعے روکتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اتخذوا ایمانہم یمین قسم, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے, فصدوا عن سبیل اللہ, ترجمہ بہت ٹھیک کیا گیا تھا, صدہ یا سدو کے دو معنی ہیں, خود بھی رک جانا, دوسروں کو بھی روکنا, اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے دوسروں کو بھی روکتے ہیں, ان سے بھی کہتے تھے بھائی تمہاری مت ماری گئی ہے, قالوا لا تنفروا فی الحر, اس گرمی میں نکل رہے ہو, شام کا سفر کرنا, تبوک جانا, حضور نے اعلان کر دیا تھا, عام اپنے غزوات کے جو آپ کی عام عادت تھی اس کے برعکس, عام طور پہ یہ تھا کہ آپ چھپاتے تھے کہ کہاں جانا ہے, جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے, استعینوا علی حوائجکم بالکتمان, اپنی ضرورتوں پر جو ہے پردہ ڈال کر چھپا کر اللہ کی مدد حاصل کرو, لیکن یہاں آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا تبوک جانا ہے اور سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے, ابھی تک تو عرب کی انٹرنل فائٹنگ تھی, اب ایک اسٹیبلشڈ امپائر جس کی فوجیں رومن لیجنز ہسٹری میں مشہور, غرق آہن, لاکھوں کی فوجیں, تو وہ کیا سوچتے تھے, معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, غر رہا اولائے دینہم, ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے, کہاں جا رہے ہیں, سلطنت روما کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, تو وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے مت جاؤ, فرمایا وہ خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی, انہم سا ما کانوا یعملون, یقیناً بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے. اب آئی ہے بہت مرکزی آیت جس سے کہ بات واضح ہو جائے گی, ایک شعوری نفاق, ایک غیر شعوری نفاق, ذالک بانہم آمنو, یہ اس لیے کہ ایمان تو وہ لائے تھے, قرآن تسلیم کر رہا ایمان لائے تھے, اور اس وقت کوئی دھوکے کا ارادہ نہیں تھا, یہ تو جب امتحان آ گیا, آزمائش آ گئی, جان و مال کے مطالبے آ گئے,
तब पीछे कदम हटना शुरू हुआ है, पसपाई शुरू हुई है, और रफ्ता 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 पीछे हटकर स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री तक जा पहुंचे। गोया कि स्टेज थ्री तो कुफर है, खुला कुफर है, अल्लाह के रसूल से दुश्मनी और अहले ईमान से दुश्मनी। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू, वो ईमान लाए थे फिर उन्होंने कुफर किया है, लेकिन ये कुफर पोशीदा है, खुल्लम खुल्ला नहीं कहा। उन यहूदियों की तरह जो सुबह ईमान लाए थे और शाम को ऐलान कर दिया जी हमने देख लिया सब कुछ, हम तो वापस जा रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, नहीं, ये इस्लाम के अंदर रहे, कानूनी तौर पर अंदर है। उस शहतीर की तरह जो अंदर से खोखला हो चुका है, ऊपर से एक विनियर है कि देखने वालों को नजर नहीं आ रहा, वो तो जब एकदम गिरेगा तो पता चलेगा ये तो खाया गया था, हमें पता ही नहीं चला। चौखट को दीमक खा चुकी है लेकिन ऊपर वनियर है, आपको नजर नहीं आ रहा। तो ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू, ये कुफरे हकीकी है, कुफरे कानूनी नहीं है। मुसलमान रहे, मुसलमान माना गया, इसलिए कि मुनाफिक कोई लीगल एंटिटी नहीं है, लीगल एंटिटी मोमिन भी नहीं है, लीगल एंटिटी मुसलमान गैर मुस्लिम, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब जो मुसलमान है वो मोमिन सादिक भी हो सकता है, वो धोखेबाज भी हो सकता है, मुनाफिक, और दोनों कैफियतों से जो है वो अगर खाली है ना मुस्बत ईमान ना मनफी निफाक, तो इसको कहते हैं इस्लाम बिला ईमान। ये इमाम इब्न तैमिया ने सूरह हुजरात की उस आयत के ऊपर उन्वान कायम किया है, इस बातुल इस्लाम बगैर ईमान, ईमान के बगैर इस्लाम का इस बात। قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم تو ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتوب على قلوبهم, اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے اوپر جن پر حق जो है वो वाजे हो गया था, उनके दिलों ने गवाही दे दी थी कि मोहम्मद ठीक कह रहे हैं, सच्चे हैं, लेकिन अपनी असमियत की वजह से, अपनी चौधराहट की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से या अपने हसद की वजह से मान नहीं रहे, ऐसे लोगों के दिलों पर फिर मोहर हो जाती है। यहूदी खासतौर पर उनके उलमा ऐसे पहचानते थे हुजूर को जैसे अपने बेटों को पहचानते, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहु, लेकिन माना नहीं, तो अल्लाह ताला ने मोहर कर दी। फतुबे आला कुलूबहिम फहुम ला यफकहून, अब उन्हें सही तफक्कुह सही फहम हासिल ही नहीं, क्या नफे में है क्या नुकसान का सौदा उन्हें पता ही नहीं, उनकी मत मारी गई है। वहिजा रायतहुम तौजिबो का इसाबहुम, और ए नबी जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको उनके जिस्म बड़े भले लगते हैं, बड़े तवाना, इसलिए कि सारा उनका मामला दुनिया से मुताल्लिक है, खूब अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो जिसको कहते हैं फरमा खामखा मोतबर, जरा शख्सियत ऐसी हो तो जाहिर बात है कि मजलिस में जब आता है तो सबकी निगाहें उठती हैं, ये कौन आया है। हुजूर भी उनकी तरफ निगाह करते थे, इनके पास वसाइल है, ये अमीर लोग हैं। कितने ही गरीब आए हैं गज़वा तबूक में के हुजूर हम हाजिर हैं जान के साथ, हमारे पास माल नहीं है, सवारी नहीं है, आप अगर हमारे लिए सवारी का बंदोबस्त कर दें हम हाजिर हैं, जानो माल से आ गए। और हुजूर ने जब कहा कि मेरे पास भी कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं, तो वो जाते थे और उनके आंखों से आंसू रवा होते थे, अल्लाह यजिदून मा युनफिकून, क्या उनके पास है ही कुछ नहीं, खर्च क्या करें, कैसे जाए। एक वो थे, अब ये अगनिया है, ये दौलतमंद है, ये चौधरी लोग हैं, लिहाजा हुजूर उनकी तरफ तवज्जो फरमाते थे। वहीजा रहता हूं तो जब वो काज साम हूं, उनके जिस्म जो है वो आपको बड़े अच्छे लगते हैं। वहीं यकूलू तस्बा ले कौले हिम, जैसे मैंने कहा ना मोतबर आदमी मालूम होता है जब वो कुछ कहते हैं तो आप बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, तस्बा ले कौले हिम, ये क्या कह रहे हैं, क्या इनकी राय है। कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, ए नबी इनकी असल हकीकत है उन सूखी लकड़ियों की जो सहारे से खड़ी कर दी जाए,
लकड़ी के कंधे जो खुद भी खड़े हो सकते हैं, उसे सहारा चाहिए। एक दरख्त है जो खुद खड़ा है, और एक वो सूखी लकड़ी के कंधे हैं, वो तो खुद खड़े नहीं रह सकते। कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा या सबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम, उनकी जान हर वक्त नरसती रहती है। वो कोई भी आवाज होती है, कोई भी शोर आता है, वो समझते हैं आई मुसीबत हमारी, यकीनन कोई हमला होने वाला है या हमला हो गया है, लिहाजा अब फिर मुसीबत आएगी हमारी। कहा जाएगा आओ दिफा करो, अबिद फाऊ कातिलू फी सबीलिल्लाह, अबिद फाऊ अल्लाह की राह में जंग करो, या कम से कम दिफा तो करो। तो उनकी जानों पर बन जाती है। हुमुल अदू व फहजर हुम, ए नबी यही दुश्मन है, असल दुश्मन ये है, मारे आस्तीन ये है, ये आस्तीन के छुपा हुआ सांप है जो अंदर से डसेगा। फहजर हुम, आप इनसे बचकर रहिए। ये है वो थर्ड स्टेज, हुमुल अदू अदावत, अल्लाह के रसूल की अदावत, अहले ईमान जो आप रसूल की हर पुकार पर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर है अल्लाह के रसूल, जिसकी वजह से हम नुमाया हो जाते हैं, हम बैठे रहे, हमने जाके फिर बाद में माजरत की, हुजूर ये मामला ये मामला ये मामला है, मुझे तो आप मुस्तस्ना कर दीजिए। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें हलाक करे, बर्बाद करे। अन्ना युफकून, ये कहां से उल्टे पांव फिरे जा रहे हैं, इनकी बदबख्ती तो मुलाजा हो। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया, ईमान की तौफीक मिली, गुमराहियों से निकले, मोहम्मद की सोहबत से फैजयाब हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब कहां जा रहे हैं, किस अंजाम की तरफ जा रहे हैं। कातलहुमुल्लाहु अन्ना युफकून, अब उनके तकब्बुर का नक्शा। वैजा कील लहुम तआलौ यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, जब उनसे कहा जाता है भाई आओ अल्लाह के रसूल के पास आओ, अपनी गलती के ऊपर एतराफ कर लो, उसको मान लो, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे लिए इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह बख्श देगा। जब उनसे कहा जाता है वैजा कील लहुम तआलौ आओ यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिगफार करेंगे, लव्वाव रुसहुम, वो अपने सरों को मटकाते हैं, हाँ हाँ जी हाँ 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 आएंगे आ जाएंगे, पर आए तो हम यसुद्दून, तुम देखते हो वो रुकते हैं, नहीं आना चाहते। वहुम मुस्तकबिरून, और उनका ये पीछे रुकना इस्तिकबार की वजह से, तकब्बुर की वजह से, हम क्यों जाकर मोहम्मद से माफी मांगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाउन अलैहिम मस्तगफरता लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, इनके हक में बराबर है, खा आप इस्तिगफार करें उनके लिए खा न करें। लन यग़फिर अल्लाह लहुम, अल्लाह हरगिज़ इन्हें माफ नहीं करेगा। ये आयत इससे शदीद तर कैफियत के साथ सूरह तौबा में आ चुकी है जो मैं आपको सुना चुका हूं। इस्तग़फिर लहुम औला तस्तग़फिर लकुम इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मर्रतन फलन युग़फिर अल्लाह लहुम, ऐ नबी आप इनके हक में इस्तिगफार करें या न करें, अगर आप 70 मरतबा इस्तिगफार करेंगे तब भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। इन अल्लाह ला यहदिल क़ौमल फासिकीन, यकीनन अल्लाह ऐसे फासिकों को ऐसे नाहंजारों को जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। अल्लाह का कायदा यह नहीं है, जो चाहे हिदायत पर आए, फमन शाह फल यूमिन वमन शाह फल यकफुर, हमने तो लोगों को इख्तियार दे रखा है, जो चाहे वो ईमान लाए, जो चाहे कुफर की रविश इख्तियार करें, जो चाहे निफाक का रास्ता इख्तियार कर ले, हमारी तरफ से फ्री चॉइस है। अब इसके बाद एक वाकया बयान हो रहा है, और ये असल में उसके एक अंदाजा होगा कि ये मुनाफिकत कहां तक पहुंचा देती थी। हुजूर गज़वाए बनिल मुस्तरक से वापस तशरीफ ला रहे थे, उसी सफर में वो वाकया पेश आया कि हजरत आयशा का हाथ गिर गया, उसको तलाश करने के लिए आप दोबारा गई, रफे हाजत के लिए गई थी, वहां कहीं गिर गया, तलाश करने के लिए गई तो काफिला चल पड़ा। वो एक लंबा वाकया है जिस पर के अब्दुल्ला इब्ने उबई ने शोर मचा दिया,
तोहमत लगाई जिना की। उसी सफर में एक वाकया ये पेश आ गया, एक जगह पड़ाव था, पास कुआं था, वहां से पानी खींच रहे थे। हजरत उमर के गुलाम थे जाह जाह, उनके और एक अंसारी साहबी के दरमियान कुछ तू तू मैं हो गई। ये तो हमेशा उनके यहां पहले तो होता ही था, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा और कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा ही झगड़ा झगड़ा रहता था। वो कोई पुरानी आदत औद कर आई, झगड़ा हो गया। अब जाह जाह ने दुहाई दी महाजरीन, वो कुछ लोग आ गए उधर से। उस अंसारी ने अंसार को बुलाया, या माशर अंसार, एक ग्रोह इधर एक ग्रोह उधर, और अंदेशा था कि कहीं खाना जंगी ना हो जाए। हुजूर को खबर हुई और आप तशरीफ लाए, आपने पेसिफाई किया। ये क्या जाहिलियत की बातें हैं जो मैं सुन रहा हूं, इन चीजों से अल्लाह ने तुम्हें निजात दे दी थी। बस करू नेमत अल्लाह अलैकुम इस कुंतुम आदान फाल्लफा बैना कुलूबकुम फासबहतुम में नेमत ही इखवाना। अब उसके बाद तुम लौट रहे हो जाहिलियत की तरफ। खैर, वो हुजूर तो किस्से को फरो करके वहां से तशरीफ ले गए जहां भी आपका क्याम था। अब इस अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन ने वहां पर बकवास करनी शुरू की। एक तो ये कहा अंसार से, देखो तुम्हारे टुकड़ों पर पले हैं ये, इनकी मिसाल ऐसी है समिन कलबक या कुलुक, कि अपने कुत्ते को खिला पिला के मोटा करो तुम्हीं को काटेगा। आज ये तुम्हारे बराबर के हो गए, ये तो लुटे पिटे आए थे, भूखे दंगे आए थे, तुमने इनकी आवभगत की, तुमने इनको वेलकम कहा, तुमने घर तकसीम कर दिए, तुमने दुकानें तकसीम कर दी, अब इन पर खर्च करना बंद कर दो। ये सब दूध पीने वाले मजनू हैं, जब इन्हें कुछ नहीं मिलेगा मुंतशिर हो जाएंगे। लल फद्दू मिन हौलिक, एक तो ये बात कही और एक ये कहा अब जब मदीने वापस लौटना हो जाएगा, अभी तो चूंकि रास्ते में है, तो लाजमन जो इज्जत वाले हैं वो इन जलीलों को निकाल बाहर करेंगे। अब हमने मजीद मदीने के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां पर एक नौजवान टीनेजर भी मौजूद था, उसने आकर हुजूर को खबर दी, अब्दुल्लाह इब्ने उबई ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है। हुजूर ने बुलाकर जवाब तलबी की तो साफ इनकार कर दिया, कसमें खा गया, मैंने कहा ही नहीं। आप इस छोकरे की बात पर एतमाद कर रहे हैं, इस बच्चे की बात पर मुझसे आप एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं। बाद में ये आयात नाजिल हुई तो हुजूर ने फरमाया लड़के के कान सच्चे थे, लड़के ने जो सुना था वो सच था, इसलिए कि वही आ गई, वही ने तस्दीक कर दी। वो क्या है अब पढ़िए, हुमुल्लज़ीन यकूलून ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफद्दू। यही है वो लोग जो कहते हैं मत खर्च करो उन लोगों पर जो अल्लाह के रसूल के साथ है, यहां तक के मुंतशिर हो जाएंगे। देखना इन बस्तियों को तुमके वीरां हो गई, ये भीड़ छट जाएगी, तुम इनकी ज़ियाफ़त करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, सब मिन कलबत या को लोग ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह, मत खर्च करो, मत इन्फाक करो उन पर के जो अल्लाह के रसूल के साथ है। हत्ता यनफद्दू, यहां तक कि ये भीड़ छड़ जाए, चले जाएंगे सब छोड़कर। वलिल्लाह खज़ाइन अस्समावात वल-अर्ज़, अल्लाह का तबसरा क्या आया, हालांकि अल्लाह ही की मिल्कियत में है तमाम खजाने आसमानों के और जमीन के। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन इन मुनाफिकों को फहम और तफक्को हासिल नहीं, जानते नहीं। अगर इनके पास ईमान हकीकी होता तो वो जानते कि अल्लाह के खजानों में कहीं कोई कमी नहीं है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, और दूसरा जुमला आ गया, यकूलून लैन रजअना इलल मदीनते लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिन्हल अज़ल। उसने ये भी कहा था, ये कहते हैं कि अगर हम पहुंच गए मदीने वापस, लैन रजअना इलल मदीनते लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिन्हल अज़ल, तो जो इज्जत वाले हैं, ज्यादा इज्जत वाले, अअज़्ज़ अफ़अलु तफ़ज़ील पर, कबीर से अकबर, सगीर से असगर, अजीज से अज़,
اعزز ہے اصل میں اکبر کے بدن پر اصغر کے بدن پر, لیکن دو زے مل گئی عز. اسی طرح ذلیل سے ازل بہت کمزور. یہاں اصل میں ترجمے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. عربی زبان میں ذلیل کے معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں. عربی زبان میں ذلیل کہتے ہیں صرف کمزور کو. ہمارے ہاں ذلیل کا لفظ آتا ہے کمینے شخص کے لیے. ذلیل آدمی ہے, بڑا کمینہ انسان, کمزرف انسان. ورنہ یہ لفظ استعمال کیا حضور نے اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی غزوہ بدر میں اور تم لوگ بہت کمزور تھے. تو یہاں پہ ان کا جو عزت والے ہیں, صاحب ثروت ہیں, صاحب اقتدار ہیں, وہ ان کمزوروں کو, ان ذلیلوں کا مطلب کمزوروں کو نکال باہر کریں. مفلوق الحال ہے یہ, تو ان کے پاس ہے کیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. حالانکہ حقیقت اگر یہ جانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ عزت حقیقتاً صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں. یہ نفاق کے مرض کی کیفیات, سائنز اینڈ سمپٹمز سب بیان ہو گئے, پروگنوسس بیان ہو گیا, کہاں تک یہ لے جا سکتا ہے, کس ہلاکت تک. کہ فی الدرک الاسفل من النار, آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں, اور دنیا میں رسول کے استغفار سے محروم. اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا ہر مرض کے ساتھ ہمارے ہاں ڈسکشن ہوتی علاج. دوسرے رکوع کی تین آیات میں علاج ہے. اس ترتیب سے شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو. اور علاج کی دو قسمیں ہیں, پریونٹیو اور کیوریٹو. پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن بہتر ہے, مرض کو ہونے مت دو. تو پہلی بات وہ ہے کہ جو اس نفاق کو آپ سے دور رکھے گی اس کی انفیکشن ہوگی ہی نہیں. اور وہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان دیکھنا, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. دوا میں ذکر, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے. نماز تو خیر ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے, اس کے علاوہ ذکر. جمعے کے بارے میں بھی فرمایا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ نہ سمجھا کہ بس ذکر تو نماز میں ہم کر آئے, اب کوئی اور ذکر نہیں, کثرت سے ذکر کرو. وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, ہر حال. اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل تصوف کے جو مختلف مسلک ہیں انہوں نے ذکر اذکار کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے. مراقبے بھی ہوتے ہیں, ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے, ذکر خفی بھی ہوتا ہے, پھر ضربیں بھی لگتی ہیں, لا الہ الا اللہ ضرب لگاؤ اپنے قلب پر, مختلف. لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھئے ذکر کہتے کسے ہیں. ذکر کے معنی ہیں استعذار اللہ فی القلب, اللہ کو دل میں موجود رکھنا, دل سے, دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے. یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع, طریقے ہیں ذکر کے, کس طریقے سے ذکر کرو, اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے. نمبر ون, الذکر, الذکر, دی ریممبرنس از قرآن, تلاوت قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ, اس کا نام ہی ہے ذکر. ہم ہی نے اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. الذکر
कुरान मुजस्सम जिक्र है, सरापा जिक्र है, मुअस्सिर तरीन जिक्र है, अज जिक्र है। नंबर दो, अकीमिस सलात अले जिक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। पांच दफा अपने मामूलात से निकलो, सुबह बिस्तर से उठो फजर के वक्त और अल्लाह को याद करो, मुझे याद करो। और जो नमाज है ये एक तरह का जामे जिक्र है, आप जबान से भी जिक्र कर रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, आप कुरान मजीद का भी कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं फजर की नमाज में, जिसे कहा ही गया है कुरान अल फज्र, अकीमिस सलात अले दुलू की शम्स इला गसक अल्लैल व कुरान अल फज्र, नमाज को कायम रखा करो सूरज के जरा ढलने से लेकर रात के तारीख हो जाने तक, और खास सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना, यानी फजर की नमाज में तवील किरात होनी चाहिए, तवील किरात। कम से कम हुजूर का जो मामूल सामने आता है वो पांच रुकू, तीन रुकू पहली रकत में, दो दूसरी में। जुमे के रोज सूरह सजदा अलिफ लाम मीम सजदा, सूरह सजदा तीन रुकू पहली रकत में, और सूरत उद्दहर दो रुकू दूसरी सूरत में। बाकी नमाजों में मगरिब में ईशा में आप कम पढ़े। और हिकमत क्या रखी है, सूरज के ढलकने के बाद से लेकर ये रात तक तो गोया कि नमाज ही है, नमाज ही है। आप निकले आए फिर आए फिर गए, सर्दियों में तो मालूम होता है कि बस फेरा लग रहा है, जोहर पढ़कर थोड़ा सा वक्त गुजरा असर आ गई, असर पढ़कर थोड़ा सा वक्त गुजरा मगरिब आ गई, फिर थोड़ी देर के बाद ईशा आ गई। अकीमिस सलात अले दुलू की शम्स इला गसक लैल व कुरान अल फज्र, लेकिन ये किस लिए है, अकीमिस सलात अले जिक्री। इसमें मैं अर्ज कर रहा था जामे है, जबान भी जिक्र कर रही है अल्लाहु अकबर सुभान रब्बी अल अजीम सुभान रब्बी अल आला, और जिस्म भी जिक्र कर रहा है, आप खड़े हैं झुक कर कुनूत, फिर आप रुकू में गए हैं, आपके जिक्र के साथ आपका जिस्म भी अल्लाह के सामने झुक रहा है, फिर उसकी फाइनल शक्ल सजदा। और हुजूर ने फरमाया है अकरबु मा यकून अल अब्दु इलल्लाह फिस सुजूद, इंसान करीब तरीन जो अल्लाह से होता है वो सजदे की हालत में होता है, क्योंकि इंसान में असल चीज क्या है, तकब्बुर। और सजदा क्या है, पेशानी आपने जमीन पर टिका दी तो तकब्बुर की नफी हो गई, अगर हमें कोई एहसास हो। और हुजूर फरमाते हैं कि जब सजदा करो तो यूं महसूस करो कि तुमने अल्लाह के कदमों में अपना सर रख दिया है। और हफीज जालंधरी का एक बड़ा प्यारा शेर है, सरकशी ने कर दिए धुंधले नकूशे बंदगी, हमारे माथे पर बंदगी के आसार और निशान होने चाहिए थे, सरकशी ये बगावत तकब्बुर ने धुंधले कर दिए हैं, सरकशी ने कर दिए धुंधले नकूशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे लौहे जबी ताजा करें, ये माथे पर बंदगी का निशान ताजा होता है। तो पहले अज़्ज़िक्र कुरान, जिस्मानी और जबानी जिक्र जमा हो गया नमाज में, और तीसरा जिक्र जिसे कहा जाएगा जिक्र दवाम, वो अदिया और अजकार मसनूना है। रात को सोए तो ये दुआ मांगे, इसमें का मुंह तो आहिया, सुबह आंख खुलते ही कहें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा मातनी व इलैहिन नुशूर। आप टॉयलेट में जा रहे हैं बाथरूम में जा रहे हैं, दुआ मांगिए अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, बाहर निकल रहे हैं दुआ मांगिए गुफरान। और यह भी है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अल अज़ा व आफ़ानी, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझसे अजियत बख्श चीजों को दूर कर दिया, आपकी रफ़े हाजत हो गई, आपका फुजला जो है खारिज हो गया, ये जिस्म में रहता कब्ज होता सौ तरह की बीमारियां पैदा करता, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
اذهبانی الاذى، مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کر دی، وعافانی، مجھے عافیت بخشی۔ گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، زندگی کے ہر عمل کے ساتھ۔ یہ دوا میں ذکر ہے، دوا میں ذکر، اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا۔ اور دو نسبتیں قائم ہو گئیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانگتے تھے، تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا، دو نسبتیں قائم ہو گئی۔ وقت کیا لگا؟ گھر داخل ہوتے آئے بونا تائے بونا لربنا حامدون، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا؟ یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ۔ چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو، اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے۔ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے۔ اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے، آپ میں حب دولت زیادہ ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت تھی وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے، کیا چیز ہے آپ کی، اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا، تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ ہے پی پی، جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے، اس کا ذکر علیحدہ ہے۔ ایک ماہر امراض، امراض روحانی سجیسٹ کرے۔ اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس کو، ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائیں تمہیں، تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ دوا میں ذکر ہے تو نفاق قریب نہیں آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ورنہ ریزسٹنس ہے اندر، تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہو آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ ایچ آئی وی جو چل رہا ہے وہ ڈیفنس میکینزم ختم ہو جاتا ہے، ایڈز میں ہوتا کیا ہے، ریزسٹنس ہے جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف، خاص طور پر جراثیمی بیماریاں، ان کے خلاف جو ڈیفنس میکینزم ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ ڈیفنس ہے، دوا میں ذکر، یہ پریونٹیو ہے، اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی، یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں تھوتنی، تو شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے۔ اس پھونکے مارنے سے جو سفلی جذبات ہیں، جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے، وہ خوب اچھلتے ہیں، ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو دل غافل نہ ہو، ذکر الہی دوام، اس کا میں نے ذریعہ آپ کو بتا دیا۔ قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر، نماز سب سے جامع ذکر، اور اس کے بعد ادعیہ معصورہ اور اذکار مسنونہ، یہ دوام ذکر کا ذریعہ ہر کام کے ساتھ آپ
कपड़े पहन रहे हैं, नए कपड़े पहने दुआ है। जिंदगी का कोई फेल, यहां तक कि अपनी बीवी से हमबिस्तर हो रहे हैं तो दुआ है। खालिश हैवानी तकाजा पूरा करने चले दुआ है। पहले यह दवा में जिक्र का जरिया है। या अय्युह लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून। और यहां वो आयत फिर मैं आज आपको कोट कर दूं, आयत नंबर 24 सूरह तौबा की, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवाल इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين। اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اقربا، یہ پانچ رشتے اور تین شکلیں مال کی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمایا ہے اور اس کے کساد کا مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں اور کوٹھیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، فتربسو جاؤ بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پوری نوع انسانی کو آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے دوسرا پہلو، اگر یہ چھوٹ لگ ہی گئی تو کیا، ٹی بی کی انفیکشن ہوئی گئی ہے تو علاج کریں گے نا، اب کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اور یہاں بڑا خوبصورت جو ہے صنعت لفظی، نفاق کا علاج انفاق، انفاق کے معنی خرچ کرنا، یہ لفظ جب آتی ہے سراسر مجرد سے نفقہ، اس کے معنی کوئی شے ختم ہو گئی، مر گئی، کھپ گئی، صرف ہو گئی، نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، نفق الفرس گھوڑا مر گیا، اس سے انفاق بنا، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ اگر نفاق کی چھوت لگ گئی ہے تو کیوں لگی ہے؟ تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل پر غالب آ گئی ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ وہ پیوند، بتان وہم و گم لا الہ الا اللہ، لہذا اب علاج بالضد، اپوزٹ کے ذریعے سے علاج کرو، مال بہت محبوب ہے نکالو، دو، انفاق از دی ٹریٹمنٹ، کیوریٹیو ٹریٹمنٹ، زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو، نکالو، اس سے تمہارے دل میں جو چھوت لگ گئی تھی نفاق کی، میں نے بتایا نا کہ یہ صنعت لفظی نفاق، نفاق بنا ہے نفقن سے جس کے معنی ہے سرنگ، یا نافقہ گوہ کا بل جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت، جیسے جہاد اور مجاہدہ، قتال اور مقاتلہ، اسی طرح نفاق اور منافقت یا منافقہ، عربی میں منافقہ کہیں گے، منافقت نہیں کہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جان و مال بچا کر رکھنا اس کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے کی توفیق اور نہ جان دینے کے لیے تیار۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اصل میں حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے، اس حب مال کو نکالو اپنے دلوں سے، نکالو اپنے دلوں سے، نکالو اپنے دلوں سے۔ فانفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، ان میں سے سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو۔
मौत सिरहाने आकर खड़ी हो जाए। जब आदमी को पता चलता है कि अब तो दुनिया से रवानगी है, तब कहता है जी सब अल्लाह की राह में दे दो, मुझे थोड़ी सी और वक्फा दे दो, मैं सब दौलत दे दूंगा। मिन कबले याति अहदकुमुल मौत फयकूल, और वो ये कहे उस वक्त रब्बे लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ए अल्लाह क्यों ना तू मुझे जरा थोड़ी सी और मोहलत दे दे। फसद्दका, मैं सब सदका कर दूंगा। वाकुम मिन सालिहीन, और मैं नेकोकारों में से हो जाऊंगा। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, और सुन लो अल्लाह ताला किसी की अजल को जबकि उसका वक्त आ जाए मुअख्खर नहीं करेगा, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह खूब बाखबर है उससे जो तुम कर रहे हो। अगर मोहलत मिल गई तो वही कुछ करोगे, अल्लाह जानता है, वो तुम्हारी घुट्टी के अंदर पड़ चुकी है, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत। लिहाजा अब मौत का वक्त आ गया है तो इसके टलने की कोई सबील नहीं। आपने देखा इन 11 आयात में तिब की इस्तिलाह के मुताबिक ये निफाक का मरज, रोग, फी कुलूबिहिम मरदुन, ये कहां से शुरू होता है? ज़ौफ़ ईमान और निफाक में डिफ्रेंशिएटिंग लाइन क्या है? निफाक की पहली अलामत, पहली स्टेज झूठ, झूठे बहाने। दूसरी स्टेज कस्में खाना। तीसरी और फाइनल स्टेज जो भी इस्लामी तहरीक का कायद है उससे दुश्मनी हो जाना, और जो सादिकीन हैं, जो आगे बढ़कर जान और माल खपा रहे हैं उनसे नफरत हो जाना, उनसे दुश्मनी हो जाना। दिस इज द फाइनल स्टेज, दिस इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब तो अल्लाह की तरफ से नबी का इस्तिग़फ़ार भी रद्द, और आखिरत में अज़ाब इलाही की बदतरीन सूरत, फिर दरकिल असफल मिनन्नार। और जो अदावत जिस दर्जे की हो जाती है वो अब्दुल्लाह इब्ने उबई के कौलों में हमने पढ़ लिया। इलाज क्या है? दवा में जिक्र इलाही। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामं व क़ुऊदं व अला जुनूबिहिम, और अगर छूत लग जाए तो इन्फाक, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। यहां तक कि पूछा गया कि कुरान मजीद में इतना जोर दिया जा रहा है इन्फाक पर, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, कितना खर्च करें? फरमाया गया यह सलून का मादा युन्फिकून कुल अल्अफ, जो भी तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है दे डालो। ये है निफाक की हकीकत, और निफाक से बचाव की शक्ल, और निफाक का मर्ज लाहिक हो जाए तो उसके इलाज की सूरत। अल्लाह ताला हमें इस निफाक से पाक करे। एक गलती मत कीजिएगा, मुसलमान बेअमल हो कभी उसे मुनाफिक न कहिएगा, किसी को हम मुनाफिक करार नहीं दे सकते। उसकी बेअमली या बदअमली भी इग्नोरेंस की वजह से हो सकती है, ईमान के ज़ौफ़ की वजह से हो सकती है, ज़ौफ़ इरादा का मरीज हो सकता है कि एक शख्स कुछ काम करना चाहता हिम्मत नहीं है, न्यूरस्थीनिया है, आसाबी मरीज है, जो भी कुछ है मुनाफिक नहीं। मुनाफिक कौन होगा आज के दौर में जो अल्लाह के दीन के गलबे की किसी तहरीक में शामिल हो, और फिर जब डिसिप्लिन के तकाजे आए और जब जान और माल के खर्च करने के तकाजे आए तो पीछे हटना शुरू करें। फिर वो इर्तिदाद, सूरह माईदा में इसका नक्शा खींचा गया है, या अय्युहल लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बूहुम व युहिब्बूनहू। अहले ईमान, अगर तुमने पसपाई इख्तियार की अपने दीन से तो अल्लाह तुम्हें हटाकर और कौम ले आएगा जिससे वो मोहब्बत करेगा और वो उससे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाह हमारे दिलों को निफाक से पाक कर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना मिनल मुनाफिकीन, अल्लाह हमें मुनाफिकों में शामिल न कीजो। अल्लाहुम्मा वफ़िकना अन नुजाहिदा फी सबीलिका बिअमवालिना व अनफुसिना, अल्लाह हमें तौफीक दे कि तेरी राह में जिहाद करें और उसमें अपने माल और जानें खपाएं और खर्च करें। अल्लाहुम्मा रज़ुकना शहादतन फी सबीलिक
اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و کانو. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. وجعلنا منہم، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و کانو. اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، ہاں وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. ولا تجعلنا معهم، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے دیجو، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجو، ہم کہیں ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مجھے ہمارے ایک ساتھی نے یاد دلایا ہے کہ آپ اپنی تقریر کے اختتام پر آئی آر ایف کا بالخصوص اور اہل بمبئی کا بالعموم شکریہ ادا کر دیں. واقعہ صحیح مجھے یاد دہانی کی گئی ہے، جتنا اہتمام کیا ہے آئی آر ایف نے میرے لیے اور جس کی بدولت آپ لوگ یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہیں، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں. اور پھر جس طرح کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جس طرح کے انہوں نے خرچ کیے ہیں، یہ ویڈیوز جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا، اس میں یقیناً میرے لیے بھی اجر و ثواب رہے گا، یہ میرا صدقہ جاریہ رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی. اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے والنٹیئرز جس طرح میں نے دیکھا ہے مصروف ہیں، ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہر چیز بڑی منظم ہے، تو میں ان سب حضرات کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے. مجھے معلوم ہے روزانہ آنا اور ہر روز تعداد بڑھنا، آج شاید سب سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے. ویسے بھی الوداعی خطاب تھا، میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ 10 دن کا پروگرام مسلسل ہوگا تو رفتہ رفتہ کچھ حاضری کم ہوتی جائے گی. میں نے یہاں جو برق صورت دیکھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ ملا ہے کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہ ہو نا امید. اے اقبال اپنی کشت ویراں سے نہ ہو نا امید، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. مسلمانوں کے اندر ایک امنگ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک خواہش ہے. اللہ کرے کہ قرآن مجید کی رہنمائی، میں اپنی رہنمائی نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی رہنمائی، میں تو ایک ذریعہ ہوں. جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا تھا، یا علی ان یہدی اللہ بکا رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے. دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز ہے، تم ہدایت دینے پر قادر نہیں ہو علی، اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے. لن یہدی اللہ بکا رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے ذریعے سے، حقائق قرآنی کو خطابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے، تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں. اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوذ پہنچے گا، میرا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کے ثواب میں سے اجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے. اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا، کھپ جائے گا، اس کا اجر محفوظ ہوگا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بغیر ان ينتقص من اجره شيء، لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا، متوجہ کر دیا، تو مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا. بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان 10 دنوں میں، اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آ گئی ہو اور آپ اس کو عملاً اختیار کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیں.
اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی رسوز آواز میں ہم نے ایک وجد آفرین تقریر سنی, نفاق جیسے خطرناک مرض کے بارے میں معلومات حاصل کی. اللہ ہم سب کو اس مرض سے بچائے, آمین. خواتین و حضرات, یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب سوال و جواب کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں تو وقت کی تنگی کی بنا پر کچھ سوالات رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس سے شکایت بھی ہے اور صحیح ہے, لیکن ان حالات کے پیش نظر, خصوصاً جبکہ ہم وقت میں کوئی توسیع نہیں کر سکتے, اس کا نعم البدل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جن کے سوالات کے جوابات نہ ملے ہوں ان سے ای میل یا ویب سائٹ یا ٹیلی فون یا فیکس کے ذریعے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی جو آپ ان سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, ای میل ہے founder@tanzeem.org, ویب سائٹ ہے www.tanzeem.org. ڈاکٹر صاحب کا پوسٹل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں, تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان. ایک بار پھر نوٹ کر لیں, تنظیم اسلامی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور 54700 پاکستان. ٹیلی فون نمبرز ہیں 5869501, 5869501, اور فیکس ہے 5834000, فیکس 5834000. اب جو سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں ہم, سوال جواب کے سیشن کے شروع کرنے سے قبل میں اپنا ایک مشاہدہ اور اس کا جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. آج میری تقریر کے بعد کوئی ہلچل نہیں ہوئی, کوئی لوگ اٹھے نہیں, گئے نہیں, ورنہ منظور شیخ صاحب کہتے رہ جاتے تھے اور بہرحال جن لوگوں کو جانا ہوتا تھا وہ اٹھ کر چل دیتے تھے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید چونکہ یہ آج الوداعی خطاب تھا تو یہ آپ کی مجھ سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آج جو ہے اس طرح کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے اور آپ یہاں سے اٹھ کر گئے نہیں ہیں. کوئی بھی شخص مجھے نظر نہیں آیا, کوئی ایک آدھ آدمی شاید اٹھا ہو اتنے بڑے مجمع میں. تو میں آپ حضرات کا ایک بار دیگر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں میری محبت کو زیادہ کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھاگ دوڑ سعی جو بھی ہے اس کو قبول فرمائے اور مجھے روحانی اور نفسیاتی امراض سے محفوظ رکھے. کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے, کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے, کوئی ریا نہ شامل ہو جائے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھے, ورنہ یہ کہ یہ چیزیں سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں, انسان کے پاس پھر کچھ اس کو ملتا نہیں ہے. اس انجام بد سے اللہ مجھے بچائے رکھے, اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے. شکریہ. اب ہم سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. محمد عارف صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. چونکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے تو کیا منافق بھی جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کی طرح شرک کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اصل میں اس نوع کی جو حدیثیں ہیں ان میں سے مثلا ایک میں ہے, جس نے کلمہ پڑھا صدق دل سے
एक इजाफी शर्त है, दिल की सच्चाई के साथ कलमा पढ़ा, इसका मतलब है कि उसको अल्लाह ने ईमान अता किया है। सिद्दे कल्ब तो उसके बगैर नहीं होगा, तो उसके बारे में ये ख्याल दुरुस्त है कि वो बिल आखिर जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। अगर उसके नेक आमाल कम हैं और बुरे आमाल का पलड़ा बहुत भारी है तो जहन्नम में दाखिल तो होगा, लेकिन जैसे धोबी घाट के ऊपर पटख पटख के कपड़ों को धोया जाता है जहन्नम में, इसी तरह उनको धोकर और पाक करके फिर निकाल लिया जाएगा, फिर वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए जहन में रहे कि इन्नहा सात मुस्तकर्रम व मुकामा, ये जहन्नम बहुत बुरी जगह है। एक लम्हे के लिए जाएंगे तब भी उसकी सारी सख्तियां और शदाइद आपके ऊपर आ जाएंगी। इसलिए इससे आप कोई कंसोलेशन न लें कि अगर कुछ अरसे के बाद हम निकल जाएंगे, उस अजाब का आप तस्वुर नहीं कर सकते। कोशिश ये कीजिए कि अल्वल वहले में मैदान हशर ही से हमें अल्लाह ताला वसीकल लजीन तकौ रब्बहुम मिलल जन्नत ज़ुमरा, ग्रोह दर ग्रोह जो है अहले ईमान को जन्नत की तरफ भेजेगा, तो अल्लाह हमें उनमें शामिल करे। अफजल शेख साहब हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं, आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के दरमियान कोई फर्क महसूस किया? मुझे ये अंदाज़ा पाकिस्तान में रहते हुए भी था और अब मैंने अपने चश्मे सर से भी उसका मुशाहदा किया है। मेरे नज़दीक हिंदुस्तान में रहने वाला एक आम मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले आम मुसलमान से ज़्यादा मजहबी है, ज़्यादा दीनी। इसमें कुछ इसका भी दखल है कि जहाँ इंसान अक़लियत में होता है वहां उसके अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म पैदा हो जाता है, एक अर्ज हो जाता है अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना। जहां मेजॉरिटी में होता है वहां सो जाते हैं अंटा गफील, क्या है, हम तो है ही अक्सरियत के अंदर, कोई है ही नहीं जो हमें चैलेंज करने वाला। तो ये नफ्सियाती मामला भी हो सकता है, लेकिन यह कि मैं समझता हूं कि कुछ सालों से गालिबन भारत में इस्लाम की तरफ मुसलमानों की तवज्जो बढ़ रही है। डॉक्टर एल ए अंसारी, आप पूछ रहे हैं कि आर मुस्लिम्स हु डू नॉट माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 1947 आर इंक्लूडेड अमंग द मुनाफिकींस? नॉट एट ऑल। बल्कि इस मामले में मौलाना मौदूदी से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिस पर मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने गिरफ्त की थी, और सही गिरफ्त की थी। मौलाना ने उन आयात के हवाले से कि जो लोग हिजरत नहीं करते, चाहे मुसलमान हूँ अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ कि यह भी एक निफाक समझा गया था जो हिजरत नहीं कर रहा, उन आयात के हवाले से अप्लाई कर दिया कि अब मुसलमान जो पाकिस्तान में, उनके कोई ताल्लुकात, कोई रवाबित, कोई रिश्तेदारियाँ भारत के मुसलमानों के साथ नहीं हो सकती। बहुत बड़ी गलती थी उनकी। मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फिर ताकुब किया और बताया किन हालात में आप किन अहकाम को नाफिज कर रहे हैं। वहां मदीने के दरवाजे खोले थे और हिजरत फर्ज थी, यहां आपने दरवाजे बंद किए हुए, आप किसी को दाखिल नहीं होने देते, और आप कह रहे हैं ये कि जो हिजरत नहीं करेगा तो उससे कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। तो हालात में तो जमीन व आसमान का फर्क है। तो बहरहाल मैं इससे समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और इंसान जहां भी रहे अल्लाह का बंदा बने और अल्लाह की तरफ से शहादत अलन्नास का फरीजा सर अंजाम दे, और जहां भी हो चाहे कितनी ही छोटी सी अकलियत में हो, दीन को कायम करने की जिद्दोजहद जरूर करे, जरूर करे, जरूर करे, चाहे नतीजा कोई ना निकले। मे बी हिज मैसेज इज फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, नो हार्म, इट्स नो हार्म टू हिम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अगर 950 बरस तक की दावत जो है वो कोई नतीजा बरपा नहीं कर सकी तो क्या हजरत नूह नाकाम हो गए? नाकाम तो कौम हो गई। हमें अपना फर्ज अदा करना है। मैं चाहूंगा कि एक जमात खालिस इस काम के लिए अब बंबई के मुसलमानों में से निकले। ठीक है, कौमी काम हो रहे हैं, तालीमी काम हो रहे हैं, ये सारे काम अच्छे ही हैं, कोई बुरा काम नहीं है, इनमें बड़ा उम्दा काम है,
लेकिन एक वो काम बल तकुम इनकुम उम्मतु यदूना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। और सबसे बड़ा मुनकर गैरुल्लाह का निजाम, चाहे वो पाकिस्तान में है और चाहे वो भारत में। तो एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो इस मकसद के लिए कायम हो, जिसका डिक्लेयर्ड गोल ये हो कि हमने इस मुल्क में द सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस एज गिवन बाय गॉड थ्रू हिज मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे हमने नाफिज करना है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा आना यहां कुछ ना कुछ नतीजा खेज रहा है, वरना ठीक है, सवाब तो आप हजरात ने हासिल कर लिया और सवाब अल्लाह मुझे भी कुछ अता कर देगा, लेकिन फिर मेरी बात इसका मतलब यह है कि दिलों तक नहीं पहुंची। सलीम शेख साहब कहते हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई ए मुनाफिक इन टूडे सोसाइटी? हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, किसी के दिल में उतर कर नहीं देख सकते। वहां भी सिर्फ हुजूर ने कहा, बाज लोगों को आपने, और यह भी कब, गज़वे तबूक के बाद, गज़वे तबूक से पहले किसी मुनाफिक को कोई सजा नहीं दी गई, निफाक के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया गया। ये तो सूरह तौबा में और सूरह तहरीम में जब आयात आई हैं, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना वग़लुस अलैहिम, ए नबी जिहाद कीजिए कुफार के साथ भी और मुनाफिकीन के खिलाफ भी, और सख्ती कीजिए उन पर, आपकी नरमी से वो फायदा उठा रहे हैं। फिर आपने सख्ती शुरू की है, फिर मदीने वापस आते ही जो उन्होंने एक मस्जिद बना ली थी, मस्जिद ज़रार, जहां वो मुनाफिक जमा होते थे मशवरों के लिए, और जहां अबू आमिर राहिब जो इंतहाई दिली और जानी दुश्मन था मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का, वो आता था और आकर वहां ठहरता था और मुनाफिकीन उनसे राब्ता करते थे उससे, तो हुजूर ने जाकर उस मस्जिद को जला दिया। ये कुरान मजीद में हुक्म था। तो उसके बाद आपने ये भी किया है कि मस्जिद नबवी से कहा, फला इब्ने फला निकल जाओ हमारी मस्जिद, फला इब्ने फला निकल जाओ हमारी। हुजूर को मालूम था कौन मुनाफिक है, वही के जरिए से आपको, और वैसे भी बसीरत नबवी हम भी आम तौर पर अंदाजा कर लेते हैं कौन क्या है, तो हुजूर का मामला क्या है। गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, लिहाजा हुजूर ने बाज लोगों का पर्दा चाक किया है। तो इस एतबार से आपके लिए जायज था, हमारे लिए, किसी के लिए जायज नहीं है किसी को मुनाफिक करार देना। और बिलउमूम मुसलमान बेअमल है, बदअमल है, दीन से दूर है, गाफिल है, जाहिल है, लेकिन मुनाफिक नहीं। निफाक का इम्कान मैं बता चुका हूं, ऐसा ही है कि अगर जैसे मैंने अभी अर्ज किया ऐसी एक जमात यहां कायम हो, फिर उस जमात पर कोई सख्तियों का दौर आए और फिर पीछे हटे, वो मुनाफिक होंगे। फजल नबी साहब ये सवाल कर रहे हैं कि व्हेन बेबी इज बॉर्न ही इज इनोसेंट एंड डजंट नो हिज रिलीजन, वी आर ऑल लकी इनफ टू हैव मुस्लिम पेरेंट्स एंड वी फॉलोड अल्लाह एंड हिज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स पाथ, व्हाई डू वी ब्लेम ऑल दोज इनोसेंट हु वर बॉर्न इन टू नॉन मुस्लिम पेरेंट्स एंड व्हाई टू ब्लेम दोज पेरेंट्स हु फॉलोड देयर ग्रैंड पेरेंट्स? इफ अल्लाह विल ही शुड हैव सेंट ऑल दोज न्यू बॉर्न्स इन मुस्लिम फैमिलीज, प्लीज क्लैरिफाई। ये बहुत मुश्किल सवाल है, और इन सब का आखिरी सवाल यह है कि अल्लाह ने कायनात पैदा ही क्यों की, इसका कोई जवाब नहीं, उसकी मशीयत। सिर्फ एक हदीस मिलती है, उसे भी मुहद्दिसीन जो है मुस्तनद तस्लीम नहीं करते, और वो क्या है, इसे अक्सर मुफस्सरीन ने लिया है और सूफिया इसको बहुत कसरत से बयान करते हैं, कुंतो कंजल मख्फियन फअहबबतु अन उरफा फखलक्तुल खल्क, मैं छुपा हुआ खजाना था, मेरे अंदर कुव्वत थी, खल्लाकी की कुव्वत थी, अब कोई मुझे पहचानने वाला नहीं, जानने वाला ही नहीं, ना मेरी कुव्वत का जहूर हो रहा है किस शक्ल में, तो मैंने खल्क को पैदा किया ताकि मेरी कुव्वत का, मेरी तख्लीकी सलाहियत का पूरी तरीके से जहूर हो, मेरी रहमत का जहूर हो, ऐसी मखलूक हो जिस पर मैं रहमत फरमाऊं, रहमत करूं। तो ये एक सबब कायनात की तख्लीक का है।
फिर इस दुनिया में हमें जो भेजा, हमारी जिंदगी तो बहुत तवील है, वो मैं एक अपने लेक्चर में बयान कर चुका हूं। तख्लीक अव्वल हमारी हुई थी आलम अरवाह में, ये तख्लीक सानी है जो इस जसद के साथ दुनिया में हुई है। बहरहाल इसमें से ये हिस्सा जो काट लिया गया है दुनिया की जिंदगी का, ये एक इम्तिहानी वक्फा है। कुलजुम हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब, इस ज़ियां खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान ये कहता है तुम अपने शऊर से काम लो, हमने तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारे दिल के अंदर अपनी मारिफत रखी हुई है, अपनी मोहब्बत रखी हुई है, तुम क्यों माहौल से इतने मुतासिर हो जाते हो? ये उसी की पैरवी कर रहे हैं, असलाफ की पैरवी कर रहे हैं। अपने अकल से काम लो और सोचो और सही रास्ता इख्तियार करो। और जाहिर बात है कि जो शख्स अपने अकल से काम लेकर अपने आबाई मजहब को छोड़कर इस्लाम इख्तियार करेगा, उसका बहुत ऊंचा मकाम होगा, अल्लाह के यहां बहुत बड़ी कदर होगी। बाकी बच्चों के बारे में तो खुद हदीस मौजूद है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा नस्ल आदम का फितरत इस्लाम लेकर आता है, ये तो उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी और नसरानी और मजूसी बना लेते हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर है जो उस पर काम करता है, लेकिन अपनी बुलूगत को पहुंचकर, अकल की पुख्तगी को पहुंचकर उसे सोचना चाहिए, तनकीदी निगाह डालनी चाहिए कि मुझे अपने वालिदैन की तरफ से क्या मिला, आया सही है या गलत है, और क्या इससे बेहतर कोई रास्ता दुनिया में मौजूद है। जस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, आप अपने दुनियावी कामों में भी बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, ये तिजारत नहीं इससे के अलावा ये तिजारत कीजिए, ये आपने जो है कोई दुकान खोली हुई है ये दुकान बंद करो, और दवाइयों का कारोबार करते रहते हैं कि नहीं करते है? दुनिया के अंदर है जस्तजू के खूब से खूब तर कहां। तो इंसान मजहब और दीन के बारे में भी कोशिश करे, समझे, जस्तजू करे कि कौन सा दीन अकरब इलल फितरत है, कौन सा दीन ज्यादा समाजी इंसाफ फराहम करता है, उस दीन को इख्तियार करे। सैयद इरफान साहब हैं, ये कहते हैं अभी आपने कहा कि झूठ निफाक की अलामत है, पर अगर कोई ऐसा झूठ बोला जाए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो बल्कि टूटे हुए दिल जुड़ जाएं, क्योंकि इस्लाम में भी किसी का दिल तोड़ना गुनाह है, तो ऐसे झूठ के बारे में आपका नजरिया क्या है? ऐसा झूठ जायज है, और झूठ हर हाल में मुनाफिकत की अलामत नहीं है, लेकिन निफाक की पहली अलामत झूठ ही है। इन दोनों चीजों को अलग समझिए, झूठ लाजिमन निफाक नहीं है लेकिन निफाक लाजिमन झूठ है। और हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मेरी रह गई इस बयान में, मेरे सामने कोई नोट्स नहीं होते हैं इसलिए बातें रह जाती हैं, फायदा होता है सवाल जवाब सेशन का कि वो बातें वाजे हो जाती हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि उलमा ने तफरीक की है, एक अकीदे का निफाक है, एक अमल का निफाक है। तो अमल के निफाक के जिम्मे में अहादीस आती है, आयतुल मुनाफिक सलासों, मुत्तफक अलैह रिवायत है ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की। मुनाफिक की तीन अलामतें हैं, इज़ा हद्दसा कज़बा वइज़ा वअदा अखलफा वइज़ा तुमिना खाना। तीन अलामतें क्या है? जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, जब अमीन बनाया जाए अमानत रखी जाए खयानत करे। ये तीन अलामतें अगर हैं, लेकिन इसमें जो है इज़ा हद्दसा, जब भी बोले झूठ बोले, ये नहीं है कि ऐसे ही कभी किसी ने झूठ बोल दिया तो मुनाफिक का आप उस पर हुक्म लगा दें। एक और हदीस में आपने एक चीज का इजाफा किया, अरबाउन मन कुन्ना फी, अगर किसी शख्स में चार अलामतें हैं तो वह पक्का मुनाफिक है। हदीस में अल्फाज आते हैं वलौ सामा वसल्ला वजामा नहु मुस्लिमून, चाहे वो नमाज पढ़ता हो रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो, अगर ये अलामतें हैं तो कट्टर वो मुनाफिक, और अगर एक है तो 25% है वो मुनाफिक है, जब तक उसे तर्क नहीं करता। तीन बातें वही हैं, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, जब अमीन बनाया जाए खयानत करे, और जब झगड़े तो फौरन आपे से बाहर हो जाए, गालम गलोच,
और लड़ाई मारा मारी जिसे यहां की इस्तलाह में आप कहते हैं फौरन शुरू हो जाए, नहीं, आदमी में तहम्मुल होना चाहिए। तो ये अमली निफाक के लिए अहादीस है। एक सवाल है कि बंबई के मुतवसित तबके के खुसूसन जो लोग रहते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे 10x10 के छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनमें जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जैसे चचा वगैरह भी साथ में होते हैं, और जिसकी वजह से चचाजाद भाई भी साथ होते हैं। तो ऐसे घरों में अपने चचाजाद भाइयों से पर्दा करने का तसव्वुर नामुमकिन है, तो क्या किया जाए? मैंने कल भी अर्ज किया था कि ऐसे हालात में एक तो नामहरमों से रू दर रू ना हुआ जाए, कोई ओट कपड़े की रखी जाए, कोई घूंघट टाइट चीज रहे, बराह रास्त गुफ्तगु ना हो, तो इससे भी पर्दे के तकाजे पूरे हो जाते हैं। ये तो हिंदुओं के यहां भी बहुत रिवाज था, अपने खुसर से अपने देवर से वो घूंघट डाले रखती थी, पर्दा करती थी। रू दर रू होना, खामखा गुफ्तगु करना, बहुत ही जरूरत से अगर देवर ने कुछ पूछा है तो उसका जवाब दे देना बहुत मुख्तसर, और उसमें भी आवाज में लोच ना हो, जैसे कुरान में आया वला तखज़ाना बिल कौल, कि नरमी पैदा ना करो अपनी आवाज में, जिससे कि खामखा अगर किसी के दिल में कोई खराबी है तो उसके दिल में कोई आरजू पैदा हो जाए, उम्मीद पैदा हो जाए कि इनका कुछ रुझान मेरी तरफ मालूम होता है। तो इन हिदायात के साथ ये जो हालात ऐसे हों मजबूरन, तो उसके अंदर पर्दे की वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी जो ऐसे घरों में जहां आपको कुशादगी हासिल है। और बेहतर यह है कि अलहदा अलहदा घर हो, छोटे से छोटा घर हो लेकिन अलहदा घर हो। ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम सिवाय इसके कि मजबूरी हो, ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सास और बहू की चपकलिश चलती है, भावज और नंदों की चपकलिश चलती है, दो भाई हैं उनकी बीवियां हैं उनकी आपस में चपकलिश चलेगी। मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे, घर और गोर अलहदा ही अच्छी है, जैसे कब्र अलहदा होती है ऐसे ही घर भी अलहदा ही होना चाहिए। तो इस पहलू से इस्लाम जो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करता, मजबूरी दूसरी बात। डॉक्टर उबैदुल्ला, ही इज अ डेंटल सर्जन, ही सेज फ्रेंडशिप इज नॉट अलाउड विद मुनाफिकीन, कैन वी कीप द बिजनेस रिलेशनशिप विद मुनाफिकीन? पहली बात तो ये होगी, आपको मालूम कैसे है कि वो मुनाफिक है? मैंने तो कहा किसी शख्स को आप मुनाफिक करार दे ही नहीं सकते। बेअमल मुसलमान, बदअमल मुसलमान, फासिक मुसलमान, फाजिद मुसलमान, लेकिन मुसलमान है वो, उसके साथ आप जो भी हुकूक है एक मुसलमान के मुसलमान पर वो कायम रहेंगे। हम अगर हिंदू से कहते हैं कि तुम मूर्ति की पूजा मत करो, तो वो हमसे कहते हैं कि आप भी तो काबा के सामने झुकते हो, इस बात को तफसील से समझाइए। मैंने समझाया था अपने दूसरे लेक्चर में, हम काबे को सजदा नहीं करते, काबे को सिर्फ एक डायरेक्शन मानते हैं, काबे को कोई सजदा नहीं। और आपको गालिब का शेर भी सुनाया था, है परे सरहद इदराक से अपना मस्जूद, जो हमारा मस्जूद है जिसे हम सजदा कर रहे हैं वो तो हमारे इदराक से भी बहुत दूर है, वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा। किबले को अहले नजर किबला नुमा कहते हैं, ये एक डायरेक्शन है, और उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि दो रुकू तो सॉलिड आए हैं इसी पर, तो तहवील किबला पर, और दो रुकू पहले तमहीद बांध दी गई, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, मशरिक और मगरिब शिमाल और जुलसम अल्लाह, के अल्लाह हर तरफ है, जिधर भी रुख करो अल्लाह का रुख है। हां, एक हारमोनी पैदा करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी पैदा करने के लिए एक डायरेक्शन दे दी गई, और वो डायरेक्शन भी पहले दी गई बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ ली, कोई नमाजें जाये तो नहीं हो गई। वो मा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, इसी तरह अब हुक्म हो गया किबले की तरफ, काबे की तरफ, उस पर करो। लेकिन काबा हमारा मस्जूद नहीं है, इट्स ओनली ए डायरेक्शन। अब्दुल वारिस और शफीक अहमद साहब हैं, आप कहते हैं कि आपकी तकरीरें माशाल्लाह एक दावत फिक्र है, आपकी तकरीरें हमारे लिए एक मशल राह है, आपकी बातें हमें अमल और इबादत की तरफ खींचती है,
कल से हमारी ये बज़्म, हमारा ये मैदान सुनसान हो जाएगा। कितना ही खूब हो अगर आप हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि मुतवातिर हर 6 महीने में ये महफिलें, ये अंजुमनें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ़ रियासतों में सजती रहें, ताकि जो अब्र यहाँ से उठा है हमारे हिंदुस्तान में मुसलसल कहीं ना कहीं बरसता रहे, ताकि सिलसिला कायम व दायम रहे और कौम को इस्तेफादा हो। आपकी राय। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपसे कहूँगा कि आप दुआ करें कि मेरे लिए भी, अब मेरी उम्र का 73वां बरस है और कब तक मैं चलूँगा। जाहिर बात है कि अब वैसे भी बुढ़ापा और आवारिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कमर में कई जगह से डिस्क जो है ख़राब है, ज़्यादा देर खड़ा तो नहीं सकता और ज़्यादा देर बैठने से भी अपर जो है बैक उसमें तकलीफ़ हो जाती है, और मेरे घुटने जो हैं वो नकली हैं, अब मसनूई हैं दोनों घुटने, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं रहता है। आप देखते होंगे मेरा हाथ को पकड़ कर चलता है, ज़रा ऊंची नीची जगह हो तो गिरने का अंदेशा होता है। तो इन सब अवारिस के साथ अभी तक अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी हिंदुस्तान आने की। डॉक्टर जाकिर साहब का दावतनामा जब तकरीबन 1 साल पहले पहुँचा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो तो असल में देर होती चली गई, वहाँ जो हमारा हाई कमीशन है आपका भारत का इस्लामाबाद में, उसने 3-4 महीने ले लिए, और जब मिला वो वीज़ा तो मालूम हुआ कि वो तो मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, यहाँ शदीद बारिशों का मौसम, यहाँ कैसे हो सकते थे इज्तिमाआत, और हॉल कौन सा ऐसा है जिसमें ये समा सकेंगे लोग। तो इस पहलू से उनकी बात सही थी, अगर से मुझे ज़रा सा नागवार गुजरा था कि अब मैं आने को तैयार हूँ तो कह रहे हैं अब ना आओ। बहरहाल वो बात उनकी सही थी, यहाँ आकर अंदाज़ा हो गया है, शदीद गर्मी भी नहीं है, शदीद सर्दी भी नहीं है, गर्मी कुछ महसूस होती है मुझे शाम के वक्त तकरीर की वजह से भी। बहरहाल अल्लाह को मंजूर होगा तो मैं तो चाहूँगा, मैं महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान मेरा घर है, मेरी असल मिट्टी ज़िला मुजफ्फरनगर की है, यूपी की, उसका एक कस्बा हुसैनपुर, वहाँ मेरे परदादा हाफिज़ नूरुल्लाह उस गांव या बस्ती के या कस्बे के रईस थे। 1857 की जंगे आज़ादी में उनकी सारी जायदाद जब्त हो गई, तो उन्होंने नकले मकानी की, दरियाए जमुना क्रॉस किया और ज़िला हिसार में जाकर सरकारी मुलाजमत शुरू की। 90 बरस हम वहाँ रहे हैं, उसके बाद 1947 में हमें निकलने पर मजबूर किया गया है, दर हकीकत इट वॉज फोर्स इवैक्यूएशन। तो हमने दरियाए सतलुज क्रॉस किया, पाकिस्तान चले गए। तो हमारे लिए तो वो है हर मुल्क मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदा मास्त, मुसलमान का नजरिया तो आफाकी होना चाहिए। ये वतन तो हमारी एक जैसे नस्ल है, रंग है और नाक नक्शा है, ये भी सिर्फ तारुफ के लिए है, इसी तरीके से मुल्क जिसमें हम रहते हैं एक तारुफ है, बाकी तो असल अल्लाह की जमीन है सारी, और अल्लाह की इस जमीन के हमें आफाकी शहरी बन जाना चाहिए। एक सवाल है किसी खातून का, वो कहती हैं कि मौलाना ये सवाल हम हमारे लिए कर रहे हैं और सब औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका बयान सुनने के बाद ये सवाल दिल में आ रहा है, हम जब दीन की अल्लाह की मजलिस में होते हैं तो एक अलग कैफियत होती है, और जब शादी या दूसरी तकरीब में जाते हैं तो मेकअप करना, पर्दा न करना, बुरका उतार देना, अच्छे कपड़े पहनकर शादी में घूमना, क्या इस तरह हमारे मुनाफिकीन में शामिल हो जाने की अलामत है? आपके ज़ोफ़े ईमान की अलामत तो ये यकीनन है, निफाक का तो मैंने कहा कि मैं किसी पे हुक्म नहीं लगाता, लेकिन ईमान की कमजोरी है, आपको हर हाल में जो भी इस्लाम के अहकाम है उन पर अमल करना चाहिए, और ऐसी मजलिसों में जाने से एतराज करना चाहिए जहां मखलूत किस्म की मीटिंग्स हों और औरतें जो है अपने बनाव सिंगार के साथ वहां आई हों, आला से आला कपड़े पहनकर और बनाव सिंगार करके, और मर्दों के साथ उनका खला मिला, वहां तो जाना नहीं चाहिए, आपको खत्म नहीं जाना चाहिए, आपके ईमान को इतना मजबूत होना चाहिए कि आप रुक जाएं, और कहते हैं उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है आपसे, लेकिन हम इस तरह की मजलिसों में शरीक नहीं हो सकते, बस। सुफियान एक तालिबे इल्म है, I have all the 4 qualities of a munafiq. I always try to become a good Muslim, but I always fail.
Will my tawbah be accepted and what should I do to become a good Muslim and stop telling lies? देखिए निफाक का जिद क्या है, एंटोनिम क्या है ईमान? एक है कुफर के मुकाबले में ईमान, एक है निफाक के मुकाबले में ईमान। दोनों हालतों में आपको अपने ईमान को स्ट्रेंथन करना होगा और वो कुरान मजीद के जरिए से है। जैसे जैसे ईमान स्ट्रेंथन होगा एंड इट सिंक्स डीपर एंड डीपर डीपर एंड डीपर इनटू योर हार्ट एंड देन यू नो एवरीथिंग पर्टेनिंग टू निफाक विल डिसअपीयर। इनायत करीम साहब कहते हैं कि इफ वी नो दैट द फॉलोइंग पर्सन इज ए मुनाफिक थ्रू देयर एक्टिविटीज देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन शुड बी टेकन फ्रॉम दोज पर्संस आफ्टर नोइंग दैट दे आर मुनाफिक शुड वी टॉक विद देम एंड इफ दे आर इन अवर रिलेटिव्स शुड वी स्टॉप अवर रिलेशनशिप विद देम प्लीज एक्सप्लेन। मेरा एक जवाब बार बार आपके सामने आ रहा है कि आप किसी को मुनाफिक करार नहीं दे सकते। आप कहेंगे बेअमल मुसलमान, बदअमल मुसलमान, फासिक मुसलमान, फाजिर मुसलमान, और उसके सामने आपको दावत देनी है, ताल्लुक खत्म करने का क्या मतलब है? अलबत्ता यह कि उनकी गलत हरकतों में आप शरीक ना हो, गलत किस्म की महफिलों में शरीक ना हो, गलत किस्म की एक्टिविटीज में शामिल ना हो, लेकिन उनसे ताल्लुक मुनक़ते करना सही नहीं है। फिर दावत आप कैसे देंगे? दो तालिबे इल्म हैं, काशिफ और अनस, इन्होंने अपने तासुरात बयान किए हैं। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो आप तमाम के सामने रखूँ। इट हैज़ बीन ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर यू टू बी हियर विथ अस फॉर 10 days। वी रियली ग्रास्प मेनी थिंग्स फ्रॉम यू टूडे। इट इज़ रियली वी आर फीलिंग सैड दैट 10 days हैव पास्ड सो सून। टूडे इट इज the last day, so I request you to please give some of your advice for today's young Muslim generation and give some of your opinion for best of best careers which would include both deen and dunya. For this we really thank Dr. Israr Ahmed and Islamic Research Foundation for this grand event. May Allah give us hidayah to follow on Quran and Sunnah. Ameen. Bahut shukriya. Waise ab किसी और नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 दिन से मैं अपने मशवरे, अपनी गुजारिशात, अपनी नसीहतें, अपनी वजाहतें आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ जितना भी मेरे लिए मुमकिन हो सका है। अल्लाह ताला आपको इनसे इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। शेख शबनम एक तालिबा हैं, ये कहती हैं कि क्या हमें गैर मुस्लिम लोगों से राबता रखना चाहिए? गैर मुस्लिमों से राबता रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप लड़की हैं, आपका राबता गैर मुस्लिम ख्वातीन से या लड़कियों से होना चाहिए, गैर मुस्लिम मर्दों से नहीं। इस्लाम के जो अहकाम हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस एंड सत्र एंड हिजाब, वो आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। फिर आप गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात रखें, उनके साथ दोस्ती में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम हॉस्टाइल नहीं है इस्लाम के लिए और इस्लाम के खिलाफ वो कोई जोर नहीं लगा रहा है, तो आप उनसे दोस्ती भी रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। दो ख्वातीन हैं, मुनीरा और इशरत, ये कहती हैं कि एक मुस्लिम बयक वक्त मोमिन और मुनाफिक हो सकता है? बराए मेहरबानी वजाहत करें। एक शख्स बयक वक्त लीगल मोमिन और मुनाफिक हो सकता है। मैंने कहा था इस्लाम भी लीगल ईमान है, कानूनी ईमान, लिहाजा लीगली ही इज ए मुस्लिम, सो इन ए वे ही इज ए मोमिन ऑल्सो एंड ही कैन बी मुनाफिक, रियली ही कैन बी मुनाफिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं शोएब हाशमी आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने यह दीनी इल्म बजात खुद अपनी मेहनत और तहकीक से तनहा हासिल किया या फिर उसके लिए आपने कोई खानकाह या मदरसों का सहारा लिया? बराए करम इस तरह इल्म हासिल करने का नुस्खा बताएं। मैं बहरहाल आपसे सफाई के साथ अर्ज करता हूं कि मैंने किसी मदरसे से, किसी खानकाह से कोई इस्तेफादा नहीं किया है।
मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि मुझे तो ज़बरदस्ती अल्लाह ने खींच लिया है इस काम के लिए, कुरान ने मुझे पोजेस कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने खुद ये काम अपनी आज़ाद मर्जी से शुरू किया है, मुझे कुरान ने पोजेस किया है। और फिर उसका मुताला, उसके लिए दर्स की तैयारी, उसके लिए अरबी लुगत की बहस, उसके लिए तफासीर को देखना, उर्दू की तफासीर भी, अरबी की तफासीर भी, इससे मेरा इल्म जो है वो बढ़ता चला गया। एक हसन बेग साहब हैं, वो कहते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुनाफिकीन का नाम बता दिया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने नाम का शुबा क्यों हुआ? नऊज़ु बिल्लाह, कभी उन्होंने ऐसा कोई काम किया था? मैंने तो आपसे अर्ज किया था ना, हदीस आपको सुना दी थी, मा अमिनहु इल्ला मुनाफिकुन व मा खाफहु इल्ला मोमिनुन। निफाक का अंदेशा अपने बारे में होता है उसी को जो मोमिन होता है। देखिए वो जो गालिब का शेर है, रहा खटका ना चोरी का, दुआ देता हूं रहजन को। आप सफर पे थे, आपकी गठड़ी में कुछ माल था, चोर ले गया, रहजन ले गया। अब वो कहता है अब मैं पांव फैलाकर सोऊंगा, मुझे किसका खौफ है, क्या ले जाएगा मुझसे, कुछ है ही नहीं। तो जिसके पास निफाक जो है, जिसके पास ईमान है ही नहीं, उसे क्या खदशा? जिसके पास ईमान की पूंजी है उसे खतरा होगा कि कहीं निफाक की उसको अंदर कोई जरासीम दाखिल तो नहीं हो रहे। और चूंकि अक्सर मुनाफिकीन, मैंने कहा, गैर शऊरी होते थे, इसलिए इस तरह का ख्याल पैदा हो जाना ये खुद एहतसाबी सेल्फ सेंसर उसकी एक मिसाल है। एक इरफान साहब हैं, वो कहते हैं कि कुरान के अलावा किसी और किताब से तबलीग कर सकते हैं या नहीं? हम देखते हैं कि दूसरी किताब से तबलीग करने से निफाक पैदा होता है। अब मुझे अंदाजा नहीं कि दूसरी किताब से मुराद क्या है। वैसे तो यह है कि अगर उलमा ने, मुफस्सरीन ने कोई किताबें लिखी हैं बाज़ सूरतों की वजाहत के लिए, मौलाना मुनज़्ज़र एहसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह कहफ़ के बारे में पूरी किताब लिखी है, और जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सूरह फातिहा की 250-250 सफ़े में तफसीर लिखी है, तो ये किताबें जो हैं, ये तफासीर, ये मजामीन पढ़ने को अगर देंगे तो ये भी एक ज़रिया है। नसीम अहमद साहब वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को कहा कि इन जलीलों को मदीना से निकाल देंगे। मुनाफिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला भी किया और गज़वाए उहद में रईसुल मुनाफिकीन के साथ 300 मुनाफिकीन पीछे हट गए, जंग में शरीक न हुए, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकीन को सज़ा नहीं दी, आखिर इसमें क्या मसलहत थी? ये बहुत गहरा सवाल है और इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि मदीने की सोसाइटी बेसिकली ट्राइबल थी, और ट्राइबल सोसाइटीज में ये जो कबायली असबियतें होती हैं वो ख़त्म होते होते भी कुछ ना कुछ रह जाती है। और दूसरी तरफ ये कि हुजूर को मदीने मुनव्वरा में एक इख्तदार तो हासिल हो गया था, लेकिन जिसे आजकल की हम कहते हैं रियासत, जो पूरा कंट्रोल करती है, वो रियासत कायम हुई है फतेह मक्का के बाद। इसलिए कि चाहे कोई फॉर्मल दारुल खिलाफा वहां नहीं था, लेकिन अरब का दारुल खिलाफा मानन अंदाज में, मानवी तौर पर मक्का था। जब तक वो फतह नहीं हुआ, इस्लामी रियासत नहीं, इस्लामी हुकूमत तो कायम हो गई थी, लिहाजा वो सारी चीजें वहां पर एनफोर्स अभी नहीं की जा सकती थी। अंदेशा था कि कोई कबायली जो है असमियत भड़क ना उठे, औस और खज़रज के लोग हैं, वो अपने किसी सरदार के बारे में अगर कोई एक्शन लिया जाए तो उसके ऊपर मुश्तइल हो जाए। तो हुजूर को बड़ी टाइट रोप पर चलना पड़ा है, ये कोई ऐसा काम नहीं था कि जो बस आपको हर एक ने जो है पूरी तरह से तहे दिल से कबूल कर लिया था। वहाँ मुनाफिक भी थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जो है वो तो पहले दिन से मुनाफिक था, उसको बादशाह बनाने का फैसला हो चुका था, उसका ताज तैयार हो चुका था सोने का, ताज पोशी बाकी थी कि हुजूर आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब उसके दिल में तो बड़ी जलन थी पहले दिन से, फिर वो इंतजार में भी रहा, गज़वाए बदर तक ईमान नहीं लाया। गज़वाए बदर में जब देखा उसने, ये तो इस कदर 313 निहत्ते जो है
एक हजार की जो नफरी थी उस पर फाते हो गए, 70 उनके लोग मारे गए, मक्के के बड़े बड़े सरदार सारे खेत रहे मैदान के अंदर, और 70 उनके कैदी आ गए मुसलमानों के हाथ, तब फिर उसने इस्लाम कबूल किया। लेकिन वो मुनाफिकाना था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और वो जानता था कि मैं मुनाफिक हूं, उसका इनफाक जो है वो गैर शऊरी नहीं था। एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सवाल किया है, वो लोग जो नमाज के लिए जाते हैं फिर उन्हें कोई काम याद आ जाता है, उसके बाद उनमें काहली आ जाती है, नमाज पढ़ने के लिए जाने के बजाय काम के लिए चले जाते हैं, फिर वो नमाज नहीं पढ़ते और लोगों को लगता है कि उन्होंने नमाज पढ़ ली है, तो क्या वो भी मुनाफिक हैं या खारिज इस्लाम है? ना मुनाफिक है ना खारिज इस्लाम है, ज़ईफ़ुल ईमान लोग हैं, उन्हें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, ईमान को कवी और पुख्ता करना चाहिए। ख्वातीन व हजरात, जी चाहता है कि कल के लिए फिर एक ऐलान कर दूं डॉक्टर साहब के उनवान के लिए, मगर ये जहन में ख्याल आता है कि अक्ल कहती है ख्याल सहर व शाम रहे, दिल ये कहता है कि बेहोशी अंजाम रहे, डॉक्टर साहब की ये सोहबत अहलियान मुंबई के लिए हमेशा याद रहेगी, आपके आने से ख़ास तौर से ये जो मजलिसें यहाँ मुनक़द हुई और लोगों के जहन और आरा में जो तब्दीली आई है उसके लिए अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। सबसे पहले मैं अल्लाह बार तआला का एहसान मंद हूँ और शुक्र अदा करता हूँ बार तआला का कि उसने हम सबको ये मौका फराहम किया कि 10 दिन तक हम मुसलसल डॉक्टर साहब की सोहबत में रहकर इस्तेफादा हासिल करते। ख्वातीन और हजरात, दिन ब दिन आपकी कसीर तादाद में यहाँ शिरकत करना हमारे एतमाद के लिए बहुत ही मुफीद और कवी साबित हुआ है, और यकीनन हम आगे भी कोशा रहेंगे कि आपके एतमाद पर पूरे पूरे उतरें। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आइंदा भी आपके लिए इस किस्म के इज्तिमाआत का इंतज़ाम करता रहेगा इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं तमाम वो लोग खुसूसन हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे रजाकार जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पूरा पूरा तआवुन हमें दिया, ये सख्त नाइंसाफ़ी होगी कि मैं ये बात आपको न बता दूं कि ये प्रोग्राम यहाँ होना मुमकिन नहीं था, मगर ये फैयाज़ अहमद साहब के अमली तआवुन का नतीजा है कि ये मैदान हमें मिला और हम यहाँ 10 रोज़ मुसलसल प्रोग्राम करते रहे, आप गाहे बगाहे हमें मशवरा भी देते रहे, और इस प्रोग्राम के तरतीब में बहुत ज़्यादा आपका तआवुन रहा है, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। इसके बाद मैं इस तारीखी मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ इस मसनून दुआ के साथ, सुभानका व बेहमदिका ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका।